الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تكرهوا الفتن فإنها حصاد المنافقين أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے دو رخ ہیں ایک رخ تو ہوتا ہے ظاہر کا ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ چیزوں سے چیزیں نکل رہی ہیں فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے فلاں پارٹی یہ کام کر رہی ہے یہ سب فلاں سبب سے ہوا مال سے ہوا چالاکیوں سے ہوا اس سے ہوا اور اس سے ہوا یہ وہ رخ ہے جو انسان پر انسان ہونے کی حیثیت سے کھولا گیا ہے یعنی ہر انسان اس کو دیکھ رہا ہے اور اس پر یقین کر رہا ہے اور اسی سے اپنے دل و دماغ پر اثر لے رہا ہے
दूसरा रुख यह है कि जो होता है, जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा, वो सब अल्लाह के हुक्म से हुआ है, अल्लाह की कुदरत से हो रहा है, अल्लाह की मर्जी से हुआ है। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह के बनाए हुए निजाम और उसके मुरत्तब किए हुए मंसूबे, उसकी प्लानिंग, उसकी तकदीर, उसके इरादे, उसी से होता है जो कुछ भी होता है। यह रुख अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए इंसानों पर खोला गया, यानी यह हकीकत 100% सच्ची हकीकत अंबिया अलैहिस्सलाम ही ने बताई है। सारे नबियों ने इस बात पर भरपूर जोर दिया है, इसी यकीन की दावत दी है, यही बात इंसानों को समझाने की भरपूर कोशिश की है कि ये बात अच्छी तरह समझ लो, दिल में बिठा लो, जब सोचो इसी के मुताबिक सोचना, जो कुछ भी करना इसी के मुताबिक करना, दिल पर तासुर लेना तो इसी के मुताबिक तासुर लेना, इस बात के मुताबिक कि जो हुआ है अल्लाह के हुक्म से हुआ है, जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अगर किसी को इज्जत मिलती है तो अल्लाह के हुक्म से मिलती है, अगर किसी से इज्जत छीनी जाती है और जिल्लत दी जाती है उसको, तो यह भी अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर किसी को दुनिया में कुछ भी मिलता है या किसी से कुछ छीनता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। नजर तो यह आता है कि फलां की वजह से हो गया, लेकिन इस धोखे में अगर पड़ोगे तो अच्छी तरह समझ लेना, तुम कुछ भी बन सकते हो, ईमान वाले नहीं बन सकते। ईमान की बुनियादी बात ही, ईमान के बुनियादी दायरे में तुम दाखिल नहीं होगे अगर तुम्हारे दिल के अंदर तो ये यकीन न बना। अगर तुम भी दुनिया भर के लोगों के तासुर के मुताबिक तासुर लेते रहे, उनके तबसरों की तरह तुम्हारे भी तबसरे होते रहे, तुम्हारा भी ख्याल यही बन गया, तो तुम कुछ भी कपड़े पहन लो, कैसी भी टोपी लगा लो, कैसा भी हुलिया बना लो, ईमान की हकीकत से महरूम रहोगे। ईमान की बुनियादी, ईमान का मुतालबा यह है, ला इलाहा इल्लल्लाह का बुनियादी और पहला मुतालबा यह, इस बात को समझो, यकीन करो इस बात पर, और ऐसा यकीन कि जब भी तुम किसी हाल पर तबसरा करो, तुम्हारा ये यकीन उस तबसरे में झलकता हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि तुम जब बयान करने बैठो तब तो तुम इसी की बुनियाद पर बयान करो, लेकिन जब तुम आपस में बात कर रहे हो तो फिर उसके बाद दुनिया के आम अखबार वालों की जबान तुम भी बोलने लगोगे। ये इस बात की दलील है कि अभी ईमान तुम्हारे अंदर नहीं उतरा। जिसको चाहे अल्लाह ताला हुकूमत की कुर्सी पर बिठा दे, जिससे चाहे अल्लाह इख्तदार छीन ले। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ मेरे प्यारे रसूल मोहम्मद, आप साफ साफ इनके सामने अल्लाह को मुखातब करके कहिए, अल्लाह इस पूरे दुनिया की बादशाही के असल मालिक आप हैं, तो उसे मुल्क मन दशा, आप जिसको चाहें हुकूमत दे दें, आप दे देते हैं जिसको चाहते हैं हुकूमत,
आप बार बार तब्दीलियां करते रहते हैं, आप बार बार किसी को हुकूमत पर बिठाते रहते हैं और आप जिससे चाहे हुकूमत ले लें, हमारी तवज्जो आपके सिवा किसी और की तरफ नहीं जाएगी। तो तुल मुल्क मन तसा वतन से मुल्क मन तसा, जिससे चाहे आप इख्तदार से महरूम कर दें, जिसे चाहे आप जिससे चाहे इख्तदार छीन लें, वतु मन तसा, और जिसको चाहे आप इज्जत दे दें और जिसको चाहे आप जिल्लत दे दें, तो इज्ज़ मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, खैर तो सिर्फ आपके हाथ में है, आपके हाथ में खैर है और खैर के सिवा कुछ नहीं। अजीब बात है ये, क्यों नहीं कहा तो बियदिकल खैर व शर, खैर व शर सब आपके हाथ में है, ये क्यों नहीं कहा? वहां तो ये कहा कि इज्जत देना भी आपके हाथ में है, जिसको चाहे आप इज्जत दें, और जिल्लत देना आपके हाथ में है, जिसको चाहे आप जिल्लत दें। वहां दोनों का जिक्र किया, लेकिन जब खैर के मजमून पर आए तो शर का लफ्ज नहीं बोला। पता चला अल्लाह के हर फैसले में खैर ही होता है, चाहे तुमसे उसके कुछ पहलू में तुमको शर नजर आए। हाँ, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अल्लाह के फैसले के उस फैसले में जिसमें तुमको बुराई नजर आती हो उसमें से तुम खैर को तलाश करो और उसमें से उस खैर को निकालने की कोशिश करो। अल्लाह का मंसूबा तो खैर ही का होता है, तुमको खैर नजर ना आए तो ये तुम्हारी आंखों की खराबी है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह आप हर चीज पर कादिर हैं। अल्लाह चाहे तो शर में से खैर निकाल सकता है और अल्लाह चाहे तो खैर में से शर निकाल दे, वो चाहे तो हुकूमतों की स्कीमों को फेल कर दे और कमजोरों की स्कीमों को चला दे, महरूमों और मजलूमों की स्कीमों को चला दे। उसने नमरूद की स्कीम को फेल कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्कीम को चला दिया। फिरौन के मूसा के कत्ल कर देने के इरादे और फैसले के बावजूद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को खुद फिरौन के घर में पलवा कर दिखा दिया और उसको सारे लाओ लश्कर समेत बीच समंदर में गर्क कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी और बच्चे ऐसे मैदान में तनहा डलवा दिए गए जहां कोई परिंदा भी नहीं था, जहां कोई ना आदम था ना आदमजाद, कोई आबादी नहीं थी, जिंदगी का कोई सामान नहीं था, पीने के लिए पानी भी नहीं था। उनकी उस इलाके में उन बीवी बच्चों के जरिए से अल्लाह ने इब्राहिम की ये स्कीम चला दी कि उनके बच्चे की औलाद उस जगह वाली हिदायत लेकर सारे आलम में आज तक फिर रहे हैं और सारे आलम के लोग सर के बल वहां जा रहे हैं। खुद स्कीम वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद वहां नहीं था, वो खुद शाम में रहता था, वो खुद भी वहां पर नहीं था, लेकिन उसकी स्कीम चल गई और जिस बच्चे के खाने पीने और हिफाजत का कोई बंदोबस्त नहीं था, उसकी औलाद अकीम सलाह का पैगाम लेकर दुनिया के कोने कोने में जाने लगी। जो अल्लाह चाहता है वो होता है, जाहिरी असबाब बिल्कुल मुखालिफ हों तभी तो अल्लाह की असल कुदरत सामने आती है। दलीले सुबह रोशन है सितारों की तुनुकता भी, दलीले सुबह रोशन है सितारों की तुनुकता भी, उफुक से आफ्ताब उभरा गया दौर गरांखा भी। जब सितारे बहुत चमक रहे होते हैं और ये इस बात की अलामत होती है कि अब बहुत काली काली रात है, रात जितनी ज्यादा तारीख होती है सितारों की चमक उतनी ही बढ़ती है, तो रात का अंधेरा जब बढ़ने लगे तब इस बात को समझ लो कि अब सुबह रोशन करीब है।
मुश्किल यह है मेरे अजीज नौजवानों, और दुनिया भर में न जाने कहां कहां मेरी इस फकीर की बात को सुनने वालों और सुनने वालियों, मेरे अजीज बच्चों और बच्चियों, भाइयों और बहनों और बुजुर्गों, इस हकीकत को सबसे पहले अपने दिल में उतारो। सबसे पहले आज उस कुफ्र और शिर्क से तौबा करने का वक्त है जिसमें हम गले गले मुब्तला हैं और हमको खबर ही नहीं। सिर्फ किसी बुत के सामने सर झुकाने को कुफ्र नहीं कहते, सिर्फ मंदिर में घंटा बजाने को शिर्क और कुफ्र नहीं कहते। इस दुनिया के निजाम को चलाने में अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करने को शिर्क कहते हैं। जिस तरह ईमान के दर्जात होते हैं उसी तरह कुफ्र के भी दर्जात होते हैं, उसी तरह शिर्क के भी दर्जात होते हैं। एक कुफ्र वो होता है जो कानूनी तौर पर समझ में आ सकता है कि ये कुफ्र है, और एक कुफ्र वो होता है कि कुफ्र भी अंदर अंदर रहता है और नमाज और तहज्जुद भी चलती रहती है। अच्छी तरह समझ लें, एक मौका अल्लाह ताला ने दिया है अपने ईमान को ताजा करने का, इस मौके को हाथ से जाने मत दें। सबसे पहले तो इस बुनियादी हकीकत को अच्छी तरह ताजा करें। जो कुछ भी होता है हमारे मुल्क में हो या दुनिया में कहीं, वो अल्लाह के हुक्म से होता है। देखो, जब इंसान के दिल का यकीन ये बनता है और सोचने का अंदाज ये बनता है, इस बुनियाद पर इंसान किसी हाल पर सोचना शुरू करता है कि यह अल्लाह के हुक्म से हुआ है, तो पहला तासुर दिल पर यह होता है कि खौफ और मायूसी का कोई सवाल ही नहीं पैदा। बताओ होता है कि नहीं होता? इतनी देर में आपके दिल का तासुर बदला कि नहीं बदला? जब जैसे ही हम ये सोचने लगते हैं कि फला वाकया अल्लाह के हुक्म से हुआ है, तो एकदम सोचने का अंदाज बदल जाता है। क्यों? इसलिए कि इतना तो जानते हैं हम और जानना चाहिए कि जिस हस्ती को अल्लाह कहा जाता है वो बेरहम नहीं है, जिस हस्ती को अल्लाह कहा जाता है वो बेखबर नहीं है, जिस हस्ती को अल्लाह कहा जाता है वो बेबस नहीं है, वो जिस हस्ती को अल्लाह कहा जाता है वो अकलियत में नहीं है, जिस हस्ती को अल्लाह कहा जाता है वो गरीब और मजबूर और मकहूर नहीं है, वो कवि है, वो अजीज है, वो अलीम है, वो हकीम है, वो रहीम है, वो आदिल है, वो कहार है, वो जब्बार है, वो मुंतकिम है और वो हर चीज पर कादिर है। अगर उसने कुछ किया है और कुछ होने दिया है तो यकीनन इसमें उसके तरफ से कोई इशारा होगा, यकीनन इसमें कोई खैर होगा। मां अगर बच्चे के साथ थोड़ी सी सख्ती करती है तो मां बच्चे पर जुल्म नहीं करना चाहती, बच्चे को संभालना चाहती है। हो सकता है अल्लाह ने उम्मत को संभालने का एक और मौका दिया हो। आसा अंतक रहूं शैयम हूं वखैरुल लकुम। जब ईमान की नुक्ते नजर से हम हालात पर सोचते हैं तो सोचने का अंदाज बदल जाता है। जब सियासी अंदाज से हालात पर गौर करते हैं, माती अंदाज से और जाहिरी अंदाज से हालात पर गौर करते हैं, तो हालात पर सोचने का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। सबसे पहला फायदा यह होता है कि जब इंसान ये सोचता है, और ये महज ख्याल नहीं है, कैसे दिल में उतारूं कि इससे सच्ची पक्की कोई हकीकत ही नहीं है। अगर अल्लाह का इरादा दुनिया में न चल रहा होता तो इब्राहिम आग में जल गए होते, अगर अल्लाह का इरादा दुनिया में न चल रहा होता तो मूसा कत्ल कर दिए गए होते या समंदर में डूब गए होते, अगर अल्लाह का इरादा दुनिया में न चल रहा होता तो यूसुफ को जंगल में कुएं में डाल दिया गया था, वो हालात बर्बाद हो गए होते, मिस्र की हुकूमत उनके हाथ में न होती। लेकिन याद रखना, अल्लाह की कार्रवाई का पहिया अक्सर उल्टा चलता है। इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा। अल्लाह की एक सिफत यह है कि वो लतीफ है। क्या मतलब लतीफ का? अल्लाह ताला जो करना चाहते हैं वो ऐसी ही जबरदस्त खुफिया प्लानिंग के साथ करते हैं
कि देखने में गाड़ी उल्टी सिम चलती हुई नजर आती है, देखने में पहिया उल्टा सिम चलता हुआ नजर आता है, और आखिरी वक्त तक कोई समझ ही नहीं पाता कि असल मंजिल क्या है, असल क्लाइमेक्स क्या है, एंड ऑफ द स्टोरी क्या है, असल निशाना क्या है। और अचानक जब वो आखिरी सीन इंसानों के सामने आता है, आखिरी मंजर जब इंसानों के सामने आता है, तो दुनिया हैरान रह जाती है। किसी सस्पेंस भरे ड्रामे को देखने वाले जैसे क्लाइमेक्स को देखकर हैरान रह जाते हैं, उससे ज्यादा दुनिया हैरान रह जाती है अल्लाह के इरादे के आखिरी मंजर को देखकर। जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला था, आज भी दुनिया में जुल्म जो कर रहे हैं, भाई तो भाई पर जुल्म कर रहे हैं, भाई है जो अपने भाई को नहीं पहचानता, भाई है आदम का बेटा है वो, इंसानी रिश्ते से सब हमारे भाई हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, कुएं में डाल दिया। घर से शफीक मेहरबान बाप की मोहब्बत भरी गोद से और घर के पुरसुकून माहौल से निकलकर कुएं में डाला जाना, ये इज्जत की तरफ एक कदम था या जिल्लत की तरफ? जाहिरी एतबार से ये तरक्की की तरफ था कि हलाकत और बर्बादी की तरफ था? फिर कुएं से निकले तो निकलकर मिस्र के गुलामों की मंडी में जाकर बेचे गए, और बावजूद इसके कि वो थे नबी के बेटे, लेकिन अब गुलाम की तरह किसी के घर में नौकरी करने लगे। ये कदम एक और जाहिरी एतबार से इज्जत की तरफ बढ़ा था या जिल्लत की तरफ? जवाब तो ना भाई, जिल्लत की तरफ। हर कदम उल्टा जा रहा है। और उसके बाद फिर एक झूठा गंदा इल्जाम लगा और जेल में ठूस दिए गए, पूरे मुल्क में बदनाम कर दिए गए। ये कदम जो उठे, ये जाहिर के एतबार से जिल्लत की तरफ उठे थे कि इज्जत की तरफ उठे थे? घर से कुएं की तरफ, कुएं से बाजार में बिकने की तरफ, और बाजार से नीलाम होकर जाकर नौकरी की तरफ, और नौकरी से फिर जाकर जेल की तरफ। हर कदम आगे बढ़ रहा है, जिल्लत दर जिल्लत दर जिल्लत दर जिल्लत। मगर सुभान तेरी कुदरत तेरे अल्लाह, अल्लाह आप हैं कौन, हम आज तक आपको नहीं पहचाने, कि जिल्लत के नक्शों से इज्जत के निकालने वाले की कुदरत का तमाशा सारी दुनिया ने देखा, कि इतनी जिल्लत के नक्शों से गुजरकर और जिल्लत के जीनों पर चढ़कर ये इंसान मिस्र की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सबसे महबूब हुक्मरान बन गया। बादशाह और महबूब जबरदस्ती नहीं, मुल्क के आवाम उनसे नफरत करते हों और आदमी जबरदस्ती करके बन जाए, ऐसा नहीं, बल्कि मोहब्बत के साथ, उम्मीदों के साथ। अल्लाह क्या कितनी मिसालें हम आप हमारे सामने रखेंगे, तब जाकर कहीं हमारा शक्की मिजाज बदलेगा। अल्लाह हम आज तौबा करते हैं अपने शक्की मिजाज से, हम ईमान की तजदीद करना चाहते हैं, हम फिर से कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह इस कलमे की हकीकत दिल में उतार दीजिए। जिल्लत के नक्शों में इज्जत का देना ये अल्लाह का मुस्तकिल मामूल है। अल्लाह ताला इस तरह नहीं करते कि देखने में शुरू से नजर आ रहा हो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़ रहे हैं, अब उनकी पार्टी और आगे बढ़ रही है और मजबूत हो रही है और आगे बढ़ 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 रही है, यहां तक कि पूरे मुल्क की हुकूमत उनके हाथ में आ गई। यह अंदाज अल्लाह ताला इख्तियार नहीं करते, अंदाज उल्टा इख्तियार करते हैं। नजर यह आ रहा है और जलील और जलील और बेबस और इज्जत से दूर और इज्जत से दूर, और अचानक जो आखिरी सीन होता है वो ये कि इन्नक अल्यौम लदैना मकीनुन अमीन। वही बादशाह जिसकी हुकूमत ने यूसुफ को जेल में डाला था, हजारों बेगुनाह नौजवान आज दहशतगर्दी के इल्जाम में हमारे मुल्क की जेलों में है। अल्लाह वो वक्त ले आइएगा, जब वो वक्त ले आइए अल्लाह आपको आपके महबूब का सदका और हमें उसके लिए कुछ करने की तौफीक दे दीजिए, वो वक्त आ जाए
जब इस मुल्क के हुक्मरान भी इन्हीं दहशतगर्दी के इल्जाम में, झूठे इल्जाम में फंसाए हुए बेगुनाह उलमा और नौजवानों से कहें इस मुल्क को बहरान से बचाना हमारे बस की बात नहीं है, अब तकवे वालों तुम बचाओ। हमने तो सब तजर्बे करके देख लिए, हमने सब पार्टियां बदल के देख ली, सबने लूटा, सबने खसोटा, हमने तो वादा किया था कि इस मुल्क को बेईमानी से छुटकारा दिलाएंगे, अब मदद करो, अब आओ मोहम्मद के गुलामों, तुम इस मुल्क को बचा सकते हो, कोई नहीं बचा सकता। आएगा वो वक्त इंशाअल्लाह जरूर आएगा। देर क्यों लग रही है? इसलिए कि मोहम्मद के गुलाम बेवफा हो गए। जिनको इस मुल्क को बचाना चाहिए था, जिनको इस मुल्क को से मोहब्बत करनी चाहिए थी, जिनको इंसानियत से प्यार करना चाहिए था, जिनको सिर्फ अपनी कौम के हुकूक मानना नहीं चाहिए था, आज वो सिर्फ अपने कौम के हुकूक वाले एक लड़ने झगड़ने वाले एक गिरोह की हैसियत से इस मुल्क में सामने खड़े हैं। अल्लाह ने हमको अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने वाली कौम कभी नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इंसानियत की सेवा करने वाला और खिदमत करने वाला वाली उम्मत बनाया था। जब तक मुसलमान अपने मुल्कों और दुनिया की तमाम कौमों, धर्म और समाज की फर्क के बगैर और किसी भी मतभर्क के बगैर जब इंसानियत से मोहब्बत करते थे, जब इंसानियत की खिदमत करते थे, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उनके सामने ऐसे मौके लाता था कि उन मुल्कों की जालिम हुकूमतें एक वक्त में आकर माफी मांगती थी और पहचानती थी। वो कहती थी हम तुमको पहचान नहीं सके, माफ कर देना, अब हम इस मुल्क की हुकूमत तुम्हारे हवाले करते हैं। और वो कहते थे नहीं, हम फकीर हैं, बोरियों पर बैठे रहेंगे, राश पास तो आप करोगे, हम खाली इंसाफ के उसूल तुमको बताते रहेंगे और तुम्ही को हुकूमत चलाना है, हमें नहीं चलाना। कहां है मुसलमान? यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिस वक्त उस बादशाह ने कहा था कि मैंने ख्वाब देखा है और मैं उस सपने की ताबीर के लिए बहुत परेशान हूं, जिन लोगों से मैंने पूछा वो कोई बता नहीं पा रहे, मुझे बताया गया है कि आप इस इल्म के बहुत बड़े माहिर हैं और आप ख्वाब की ताबीर बहुत सच्ची बताते हैं, मेरे ख्वाब की ताबीर भी बता दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि आपके ख्वाब की ताबीर यह है कि आपके मुल्क में, इस मुल्क में अगले 7 साल बड़ी खुशहाली रहेगी, बहुत अच्छी फसल होगी, खेत जमीन सोना उगलेगी, लेकिन उसके बाद अगले 7 साल जो आएंगे वो बहुत खराब गुजरेंगे। उसमें मुल्क में पानी की सिंचाई की जबरदस्त कमी होगी और जमीनें सूख जाएंगी, खेत सूख जाएंगे, गल्ला नहीं पैदा हो पाएगा और एक फूड क्राइसिस पैदा होगा, एक गिजाई बहरान पैदा होगा, एक इकोनॉमिक क्राइसिस में मुल्क फंसेगा आपका। ये ख्वाब साफ साफ बता रहा है। लेकिन सलाम हो यूसुफ की हमदर्दी पर, उन्होंने सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं बताई, उन्होंने आगे चलकर मोहब्बत भरे अंदाज से उस मुल्क को उस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने की एक तरकीब बताई और यह कहा कि उससे बचाने की तरकीब यह है कि जो शुरू के 7 सालों में खूब गल्ला पैदा होगा आप उस गल्ले को इस तरह पर खर्च कीजिएगा, कंज्यूम कीजिएगा कि जितने गल्ले की जरूरत 7 साल के अंदर मुल्क के रहने वालों को पड़े बस उतना ही गल्ला इस्तेमाल हो, बाकी सारा गल्ला महफूज किया जाए। और महफूज करने की तरकीब भी बताई, एग्रीकल्चर साइंस का एक जबरदस्त उसूल बताया, फूड स्टोर करने का एक जबरदस्त साइंटिफिक उसूल बताया। उन्होंने कहा कि गेहूं की बालियां के अंदर से अगर गेहूं का दाना निकाल लिया जाएगा तो वो फिर ज्यादा रुक नहीं सकता, बाहर वो खराब हो जाएगा, इसलिए जितने गेहूं की जरूरत आपके
आपको इन 7 सालों में पड़े, आप हर साल की फसल में से उतने ही गेहूं के दाने बालियों में से निकालिएगा और बाकी दानों को बालियों के अंदर महफूज कर दीजिएगा। वो ऐसा जबरदस्त कवर होता है कि उसके अंदर कोई कीड़ा नहीं जा पाएगा, कोई बीमारी नहीं जा पाएगी। और वो स्टोर कीजिएगा, हर साल का जो बचा हुआ गल्ला हो उसको स्टोर करते रहिए, वो आपको अगले 7 साल में काम आएगा जबकि फसल नहीं होगी। नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह कुरान की इस बात को किसी तरह तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों तक पहुंचा दे, एक एक ईमान वाले तक अल्लाह ताला ये किसी तरह बात पहुंचा दे और उसके पहुंचाने में हम सबको अल्लाह ताला इस्तेमाल कर ले। जिस बादशाह को और जिस हुकूमत को यूसुफ अलैहिस्सलाम ये मशवरा दे रहे थे, उसी हुकूमत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुकम्मल बेगुनाही के बावजूद जेल में ठूंस दिया था और 9 साल उनके जेल में गुजरे थे। पूरे मुल्क में बदनाम किए गए थे, उनसे बढ़कर कोई पाक दामन शरीफ इंसान उस मुल्क में शायद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मुल्कों की मसलहतें होती हैं, सियासी मसलहतें होती हैं, उसके तहत हुकूमतों को बड़े जुल्म करने पड़ते हैं बाद वक्त। आप बताओ, अगर मैं और आप उसी जगह पर होते, आज तक कोई मुसलमान उस जगह पर होता, मैं तो साफ लफ्जों में कहने की हिम्मत कर रहा हूं, जब वो ये ख्वाब सुनता आज क्या कहता उसके जवाब में? यही तो कहता कि आने दो वो वक्त, अब इस पूरी जालिम कौम को भूख से तड़पता हुआ देखकर मैं कहे लगाऊंगा, अब मेरी बारी आएगी, तुमने बहुत जुल्म किया है और मुझे मेरे जैसे बेगुनाहों को जेल में ठूंसो, अब तुम्हारी पूरी कौम भूख का शिकार होगी, लोग तड़प तड़प कर मरेंगे और मैं हंसूंगा और मैं देखूंगा कि किस तरह अल्लाह तआला मजलूमों का बदला लेता है। लेकिन याद रखना, असली मुसलमान कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकता, यहां तक कि अपने ऊपर जुल्म करने वालों को भी एक मिनट देर किए बगैर वो माफ करने के लिए तैयार रहता है। सिर्फ माफ करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी खिदमत करके उसको और ज्यादा खुशहाल बना देने के लिए अपनी खिदमत पेश कर देता है। सलाम हो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर और उनके उन अखलाक आलिया पर, उनके जर्फ पर, उनके बुलंद हौसले पर, कि उन्होंने जब ये तरकीब बताई, क्या जरूरत उनको तरकीब बताने की? बादशाह ने तरकीब नहीं पूछी थी, बादशाह ने सिर्फ ख्वाब की ताबीर पूछी थी, वो बता देते और फारिग हो जाते, खत्म। लेकिन नहीं, मोहब्बत करने वाला इंसान इस तरह नहीं सोच सकता, हमदर्दी करने वाला इंसान इस तरह नहीं सोच सकता, ये नबियों वाली सोच नहीं है। मुश्किल ये है कि आज के मुसलमानों की सोच लीडरों वाली सोच हो गई है, नबियों वाली सोच नहीं है। नबियों वाली सोच की मिसाल आला तरीन मिसाल है और ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये मशवरा देता हूं कि आप गल्ले को इस तरह खर्च करें। जानते हो इसके जवाब में उस बादशाह ने, हेड ऑफ द स्टेट ने क्या कहा? उसने कहा कि यूसुफ अब सुनो मेरी बात, ये जो आप मशवरा दे रहे हो कि 7 साल के गल्ले को चौदह साल तक इस तरह खर्च करना है तब इस ये मुल्क बच पाएगा, यूसुफ मैं अपने मुल्क को जानता हूं, मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी को जानता हूं, मैं अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स को जानता हूं, मैं अपने ऑफिसर्स को जानता हूं, मैं जानता हूं इनमें से कोई ऐसा हमदर्द और ईमानदार नहीं है जो इस ईमानदारी के साथ गल्ले की हिफाजत का निजाम चल सके, न इनमें प्रोफेशनल इफिशंसी है, न इनमें पेशेवराना महारत है, न इनमें वो हमदर्दी और इखलास है, ये करप्ट लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, ये लूट खसोट वाले लोग हैं। यूसुफ जब तुमने ये मशवरा दिया है तो अब मेरी एक गुजारिश कबूल कर लो, तुम खुद इस मुल्क की हुकूमत की जिम्मेदारी संभाल। अल्लाह अकबर। मुसलमानों,
मैं नियत करके बैठा हूं, मैं बहुत फकीर फकीर गुनहगार आदमी हूं, लेकिन मैं उस बात को आज याद करके बैठा हूं जब मौलाना यूसुफ साहब कांद रहे भी, अल्लाह उनकी दावत की सोच का कोई जर्रा हमको अता कर दे। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जवानी की उम्र में अपने वालिद माजिद के हुक्म से जुमे का खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़े और उसके बाद खुतबा देकर नमाज पढ़ा के आए, तो हजरत मौलाना इलियास से पूछा, यूसुफ तुमने खुतबा देते वक्त क्या नियत की थी? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा अब्बा जी मैंने तो ये नियत की थी कि अल्लाह के रसूल की जो सुन्नत है वो अदा हो जाए और जुमे सही तौर पर अदा हो जाए। इलियास हजरत मौलाना इलियास कहने लगे, यूसुफ काश तुम ये नियत करते कि मैं बंगले वाली मस्जिद की इस टूटे फूटे मिंबर पर खड़े होकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुंचा रहा हूं, अल्लाह मेरी इस आवाज को नहीं अपनी और अपने महबूब की इस आवाज को पूरी इंसानियत तक पहुंचा दे। तुमको ये नियत करनी चाहिए थी। अल्लाह कादिर था कि अल्लाह ताला इस नियत के मुताबिक आवाज को पहुंचा देता। या आज भी आज ये नियत करके यहां पर जिसमें बैठा है, अल्लाह के सामने चंद सौ लोगों से बात कर रहा हूंगा चंद लोगों से, लेकिन अल्लाह किसी तरह पूरे हिंदुस्तान से कम एक एक मुसलमान तक आप अपनी ये बात पहुंचा दीजिए। ऐ मुसलमानों, जिंदाबाद और मुर्दाबाद से कभी इस मुल्क का निजाम नहीं बदल सकता। कहां है वो मुसलमान जिन्होंने आकर इस मुल्क के वजीर गजा के सामने रखा हो, फूड मिनिस्ट्री के सामने रखा हो? हम उलमा लोग हैं, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम इकोनॉमिक के माहरीन लोग हैं और हमने 5 साल स्टडी की है और हम आपके सामने एक प्रोजेक्ट पेश करते हैं, एक प्रपोजल पेश करते हैं कि इस मुल्क की महंगाई को इस तरह खत्म किया जा सकता है, इस मुल्क के करप्शन को इस तरह दूर किया जा सकता है, इस मुल्क के बेईमानी को इस तरह दूर किया जा सकता है, बच्चियों की और बहनों की इज्जतों को इस तरह महफूज किया जा सकता है। है कोई जिसने कभी मुल्क की हुकूमत के सामने कोई मंसूबा रखा हो? लोगों, हम किसी के हरीफ और दुश्मन नहीं है, हम सबके खैर खा हैं। और जब तक मुसलमान चीख चीख कर ये नहीं कहेगा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस मुल्क में एक खुशहाल फिजा चाहिए, पुरसकून लोग चाहिए। दिल खून के आंसू रोता है जब भूखों को देखते हैं, गरीबों को देखते हैं, फकीरों को देखते हैं, मरीजों को देखते हैं कि उनका कोई इलाज करने वाला नहीं है, बेगुनाह कैदियों से जेलों को भरा हुआ देखते हैं, जरायम की फहरिस्त में अपने मुल्क के तस्करे को दुनिया के अंदर जरायम के जवाब से बढ़ता हुआ देखते हैं। मुसलमान जब तक खैरखा की हैसियत से, दाई की हैसियत से, खिदमत गुजार की हैसियत से, नासिहुन अमीन की हैसियत से जब तक सामने नहीं आएंगे, अल्लाह की मदद उनके साथ नहीं आ सकती। इसकी जमईयत को नकल अक्वाम मगरिब पर कयास, इसकी जमईयत को नकल अक्वाम मगरिब पर कयास, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिमी। उम्मत मुस्लिमा के लिए इज्जत मिलने के रास्ता दूसरे हैं, दूसरी कौमों के लिए दूसरे हो सकते हैं। लूट खसोट के जरिए, बूथ कैप्चरिंग के जरिए, रिजिम के जरिए, रिश्वत के जरिए, शराब बांटने के जरिए, नौजवानों को पैसे देकर वो वोट लेकर हुकूमत पर जा सकते होंगे, मुसलमानों के लिए मोहम्मद मुस्तफा के नुमाइंदों के लिए ये रास्ते बंद हैं। उनके सामने सिर्फ एक रास्ता है और वो ये कि वो आम लोग तो लोग वो अपने दुश्मनों के भी खैरखा बने। तुम हमारे दुश्मन इसलिए हो कि तुम अभी तक हमको पहचाने नहीं, और तुम हमको पहचाने इसलिए नहीं कि हम वो है ही नहीं जो हमको होना चाहिए। तो कसूर तुम्हारा कम है, हमारा ज्यादा है। सोचने का अंदाज बदल जाता है, 100% मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ सोच है। जवाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि बादशाह पूरे मुल्क की हुकूमत आप मेरे हवाले मत कीजिए। सुभान अल्लाह, उधर से पेशकश है, इधर से इनकार है। आप ऐसा करिए, मैं एक जिम्मेदारी कबूल करता हूं, भागता नहीं। ये जो सबसे पहला इमीडिएट मसला है मुल्क का, वह है मुल्क को गिजाई बहरान से बचाना, मुल्क को फूड क्राइसिस से बचाना,
इस गुर्बत से बचाना, इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाना, ये काम आप मेरे हवाले कर दीजिए। इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, इसलिए कर दीजिए कि इन्नी हफीज़ुन अलीम, इसलिए कर दीजिए कि मेरे अंदर मेरे मालिक की बहुत मेहरबानी से दो चीजें मौजूद हैं, दो क्वालिटीज हैं मेरे अंदर। एक तो ये कि बहुत मालिक का करम है, मैं ईमानदार हूं, एक भी दाना इधर से उधर न करूंगा न होने दूंगा। और अलीम, अल्लाहु अकबर, मुसलमानों इस्लाम को समझो। ए माहद इमाम वलीउल्लाह जहेवी के तलबा और ए दारुल इमाम रब्बानी के मुन्ने मुन्ने बच्चों, समझो कि इस्लाम क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये कहा, मैं ईमानदार हूं और मैं एक्सपर्ट हूं, मैं माहिर हूं, इन्नी अलीम, मैं गिज़ा की हिफाजत, गल्ले की हिफाजत, उसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सही तकसीम, इन सब चीजों का मैं माहिर हूं। मैं खानदानी किसान हूं, मैं फलस्तीन का रहने वाला हूं, मेरे खानदान में खेती होती है, मुझे पता है अच्छी तरह कि ये गल्लों की हिफाजत कैसे होती है और इनकी तकसीम कैसे होती है। इसलिए आप मुझे आप ये जिम्मेदारी सुपुर्द कर दीजिए। मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि उम्मत मुस्लिमा हजारों लाखों की तादाद में हफीजुन अलीम तैयार कर दे, ऐसे अफराद तैयार कर दे जो एक तरफ तकवे वाले हों, ईमानदार हों, माहिर हों और माहिर भी हों, फन के माहिर हों, मुख्तलिफ फनून के माहिर हों, लॉ एंड ऑर्डर के माहिर हों, मिनिस्ट्री फॉरेन रिलेशंस के माहिर हों, होम अफेयर्स के माहिर हों। जब तक मुसलमान अपने अंदर ईमानदारी और तकवा और उसके साथ साथ ये महारतें भी पैदा करेंगे, जब तक वैल्यूज और प्रोफेशनलिज्म दोनों अपने अंदर नहीं लाएंगे, हम इस काबिल नहीं हो सकते कि हम इस डूबते हुए और परेशान हाल मुल्क के सामने कोई हल लग सके। हमें कोई खास उम्मीद नहीं है, नेक तमन्नाएं हमारी सबके साथ हैं, लेकिन हम जमीनी हकीकतों को सामने रखकर ये उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं कि अचानक एकदम से मुल्क के सारे हालात बदल जाएंगे। पूरे मुल्क के लोग झूठ बोलते रहें, पूरे मुल्क के लोगों के अखलाक न बदलें, उनकी नीयतें न बदलें, उनके मकासद न बदलें, उनके अहदाफ न बदलें, उनकी जिंदगी की तरजीहात न बदलें, उनकी अपनी जो 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 तरजीहात होती हैं उनकी पसंद न बदले, और बस एक आदमी बैठकर पूरे मुल्क के अंदर के सारे जुल्म को खत्म कर देगा, इंसाफ ले आएगा। काश ऐसा हो सकता, अगर ऐसा होगा तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी हमको होगी, दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी होगी। नन वुड बी हैप्पियर देन अस, बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में कह रहा हूं, किसी के जरिए से हो इंसाफ फैलेगा, इससे खुशी की कोई बात नहीं है। महंगाई खत्म होगी, इससे खुशी की कोई बात नहीं है। बदनामी खत्म होगी, इससे खुशी की कोई बात नहीं है। करप्शन खत्म होगा, इससे खुशी की कोई बात नहीं है। सोशल जस्टिस कायम होगा, इससे खुशी की कोई बात नहीं है। ना बराबरी खत्म होगी, इससे खत्म खुशी की कोई बात नहीं है। धर्म और जात पात की बुनियाद पर भेदभाव खत्म होगा, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। लेकिन हम कैसे उम्मीद करें? हमने भी दुनिया को कुछ समझा है, हम कैसे उम्मीद करें कि ये सब हो जाएगा? हम कैसे उम्मीद करें? ये सब तो तब हुआ था जब कुछ ऐसे लोग तैयार हुए थे जिन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांधे थे, जिन्होंने अपने घर में चूल्हे ठंडे किए थे। ये सब तब हुआ था जब ऐसे लोग तैयार हुए थे जो घर में मां बेटी से कहती थी, बेटी अगर दूध कम है तो पानी मिला दो ना। बेटी कहती है, अम्मा आप कैसी बात कर रही हैं, अमीर उलमोमिनीन हजरत उमर ने मना किया है, मैं पानी नहीं मिला सकती। माँ कहती, बेटी ये तुम घर के अंदर पानी मिलाओगी, अमीर उलमोमिनीन उमर को कैसे पता चलेगा? नौजवान तुम्हारी लड़की कहती, अम्मा आप क्या बात कह रही हो, अमीर उलमोमिनीन को पता नहीं चलेगा तो क्या मेरे आपके और अमीर उलमोमिनीन के रब को भी पता नहीं चलेगा? मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। जब तक ऐसे लोग तैयार नहीं होंगे, मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते, आलम के मसाइल हल नहीं हो सकते। ये खाली रोमांटिक सोच नहीं है, हम जिलो जान से एक कोशिश में लगना चाहते हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे दीजिए, असबाब और वसाइल दे दीजिए, साथ देने वाले लोग दे दीजिए। कहां है? हम तो अगर कभी हुकूमत से बात भी करते हैं, अपने मसाइल, अपने हुकूक, अपने मसाइल, अपने हुकूक, एतराजात, इश्कालात, ये जबान वो जबान नहीं है जो नबियों ने बोली है, न
नबी जब हुक्मरानों से बात करते थे तो इस जबान में बात नहीं करते थे कि रोटी का हक दे दो, कपड़े का हक दे दो, मकान में दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अंबिया अलैहिस्सलाम तो चाहते थे हमारे बदन पर जो कपड़े हैं खुदा करे वो भी तुम्हारे काम आ जाएं, हमें तुमसे कुछ नहीं लेना, बस सिर्फ इस मुल्क के मजलूमों के साथ इंसाफ कर दो, कमजोरों के साथ इंसाफ कर दो। अल्लाह तआसना लिनुखरिजा मन शाअ मिन इबादिही मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। हम क्यों आए हैं? हम बंदों की गुलामी से निकाल कर रब की गुलामी तक पहुंचाने के लिए आए। इंसानों को गुलाम बना रखा है और हमसे ये देखा नहीं जाता, हम इंसानों को गुलामी से आजादी दिलाना चाहते हैं, खुद कुछ लेने लिए नहीं आए। ومن دور الأديان إلى عجل الإسلام और जितने जुल्म के जो तौर तरीके दुनिया में चल रहे हैं उन सब से इंसानों को छुटकारा दिला देना चाहते हैं और इंसानों के अपने मालिक का उनका बताया हुआ जो इंसाफ का सिस्टम है उसका मजा उनको चखाना चाहते हैं। हम लेने के लिए नहीं आए हैं, हम देने के लिए आए हैं। जब उम्मत की सोच ये बनती है क्या खुद एतमादी पैदा होती है, क्या 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 कैफियत दिल दिमाग की होती है। सुना हुकूमत में आ गया, डर जाओ, घबरा जाओ, अब क्या होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या हम इस बात का अब सबूत पर सबूत पेश करने के लिए कसम खा चुके हैं कि दुनिया वाले जान लो हम ईमान वाले नहीं हैं। हमारे लंबे कुर्तों से धोखे में मत आना, हमारी लंबी धारियों दाढ़ियों से भी धोखे में मत आना, हम ईमान वाले लोग नहीं। जानते हो ईमान वाले कैसे होते हैं? कुरान में नक्शा खींचा है, अल्लज़ीन क़ाला लहुमुन नास इन्ना नास क़द जमाउ लकुम। अजीब वाकया पेश आया था। एक बड़ी भयानक जंग हुई उहद के मैदान में, जंग हुई बड़ी भयानक, बड़े अजीब हालात आ गए आखिर में। 70 सहाबा शहीद हो गए, पचासों सैकड़ों जख्मों से चूर हो गए, खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी तरह जख्मी हुए। इसके बावजूद अचानक आपने सहाबा को हुक्म दिया, जख्मी सहाबा को, खून बह रहा है, तीर लगे हैं, तलवारों से कटे हैं, पट्टियां बनी हैं, बुरी हालत है, और हुक्म दिया कि मेरे साथ चलो। ये जो अबू सुफियान की क़यादत में जो फौज ये तबाही मचाकर वापस पलट रही है मक्के की तरफ, हमें उसका ताकुब करना है और उसका पीछा करना है। और अजीब बात आपने हुक्म दिया, फरमाया मेरे साथ कोई वो आदमी नहीं चलेगा जिसे कोई जख्म न लगा हो, सिर्फ वो लोग चलेंगे जो जख्मों से चूर है। सलाह तो सलाम हो अल्लाह के रसूल, क्या क्यादत है आपकी, क्या लीडरशिप है आपकी। ये लीडरशिप का लफ्ज तो आपकी शान में तौहीन मालूम, मजबूरन बोलना पड़ता है ताकि लोग किसी तरह मंशा को समझें। अजीब आपके अजीब मूव हुआ करते थे, अजीब आपके इकदाम हुआ करते थे। जानते हो इसका फायदा क्या हुआ? सोचो जरा, जरा नीचे उतर के सोचो। उलमा ने लिखा है अगर पड़े रहते वो साहबा वहां तो अब जिस्मों के जख्म बहुत मामूली होते हैं, असल होती है नफ्सियाती शिकस्त, असल होती है डिमोरलाइजेशन, मोराल गिर जाए। अब पड़े रहते यार क्या हो गया, क्या हो गया, जंग हार गए, हुजूर को भी जख्म लग गए, हमारे 70 लोग शहीद हो गए, तो नफ्सियाती तौर पर कौम एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती।
आपने एक अजीब गरीब फैसला किया, चलो। अब सहाबा तो इताअत करने वाले लोग थे, कहना मानने वाले लोग थे, उठ गए। आप काश के कभी हज के सफर में तजुर्बा हुआ हो, कभी जमातों में निकलकर तजुर्बा हुआ हो। कभी ऐसा होता है जमात बहुत थक कर कहीं पहुंचती है और साथियों का ख्याल होता है कि बस सब तो, और अमीर साहब असली अमीर साहब होते हैं और अमीर साहब तरबियत करने का फन जानते हैं और अमीर साहब साथियों से कहते हैं कि माशाल्लाह देखो ये अल्लाह पाक का रास्ता, कितने प्यारे लोग हैं, वाह वाह वाह, बड़ी हिम्मत वाले, क्या चेहरे पर नूर है और क्या शानदार माशाल्लाह। और एक तकाजा है, अगर उस मोहल्ले में अभी हम चले जाएं तो वहां पर तो अच्छे खासे लोग जमाएं, अगर उस गांव में चले जाएं 150 लोग मिल जाएंगे और क्या पता वो अल्लाह के रास्ते में निकल जाएं। हाँ भाई चलो 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 चलो। अब कुछ साथी बड़ी बशाशत से और कुछ बेचारे, लेकिन होता फिर क्या है, जो चल देते हैं ना उनकी सारी थकान खत्म हो जाती है। अजीब तजुर्बा है, बड़ा मजा आता है, क्या प्यारा रास्ता है ये, मुझे भी ऐसे अमीर खूब मिले हैं। हमारा एक फलस्तीनी साथी था शौकी, आहा क्या अजीमत वाला इंसान था, जमात को बैठने नहीं देता था, लेटने नहीं देता था, थकान मारता था, खूब काम लेता था। हम सब नौजवान तलबा थे और तकरीबन 40-45 की जमात चल रही थी और पहाड़ पर चढ़कर पैदल चढ़ना पड़ता था, कोई रास्ता नहीं था। गांव ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर हम लोग चढ़कर अपना सामान लेकर गए, वहां पहुंचे, आराम से सब सामान रखा। अब मशवरा हुआ खिदमत का, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानी थी मेरी, एक जज्बात थे, हमेशा खिदमत में मैं जिद करके आगे बढ़ता था। और अब यह हुआ कि नीचे से पानी लाना है, 2 किलोमीटर नीचे जाना है और नीचे से बाल्टियों में पानी ऊपर लाना है, तब जाकर वहां वुजू होगा, सिंजा होगा, खाना पकेगा। अब ये सब कर लिया, सब कुछ हो गया, थक के मारे ये हाल के हर हड्डी दुख रही थी और हर हड्डी बोल रही थी पनाह कि अल्लाह कोई और अमीर होता तो अच्छा था। लेकिन क्या हुआ, अचानक अजीब गरीब हाल अमीर साहब पर तारी हुआ। अमीर साहब ने कहा कि वाह 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 वाह, क्या शबाब है, शबाब उल इस्लाम, अल्लाह अकबर, खुलफा उल अंसार वल मुहाजरीन। अरे सामने वो गांव है जहां हजरत अबू हुरैरा पैदा हुए थे, वो गांव है सामने, और हमारा मशवरे का रुख दूसरा तय हुआ है, आज तो मजा आ जाए, रात के खाने के बाद सारी जमात वहां मुंतकिल हो और उस जमात वहां उस गांव में वक्त गुजारें, रात के वक्त वहां गुजारें और सुबह फजर की नमाज से पहले थोड़ा सा गश्त कर लें और फजर में वहां गांव वालों को जमा कर लें और वहां उनके सामने बात हो जाए। क्या हजरत अबू हुरैरा की रूह को अगर पैगाम मिल गया तो हमारी मगफिरत हो जाएगी। हड्डी हड्डी दुख रही थी लेकिन लोगों गवाह रहना, पूरी जमात खड़ी हो गई, अमीर साहब सामान मेरे सर पर ला दिए, मैं चलूंगा। ये एक मिजाज होता है क़यादत का, थकने मत दो, हार मत मानने दो। सलातो सलाम हो रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपने फरमाया मेरे साथ चलो और सिर्फ वो चलेगा जिसमें जख्म लगे हों। अजीब बात, उल्टी बात है। अगर जाहिरी एतबार से देखा जाता तो कहा जाता कि भाई जो फ्रेश है वो चले, जो तरोताजा है वो चले, मसला जंगी मुहिम का है। लेकिन यहां तो सोच कुछ और है, यहां मसला कुछ और है, मसला है नफ्सियाती तौर पर किसी तरह कौम को कमजोर न होने देने का। आपने फरमाया कि चलो, अब जानते हो उसका नतीजा क्या निकला, एक तरफ तो ये लोग उनके हौसले फिर से बुलंद हो गए, भूल गए सब अपने गम, माजी की तरफ, माजी को सोचते रहने का इलाज ही ये है कि माजी से तवज्जो हटाकर मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो मोड़ दो, तवज्जो मुस्तकबिल की तरफ फौरन लगाओ। अब हमको क्या करना है, जो होना था वो बिल्कुल हो गया, अब उस पर क्या बातें करते हो, अब बताओ कि हमको क्या करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस क़यादत की हिकमत अमली को इख्तियार करते हुए कौम को मुस्तकबिल की तरफ मोड़ दिया। अब ये लोग चले अबू सुफियान के फौज का पीछा करते हुए, वो सब बहुत समझदार लोग थे,
हर फौज जो चलती थी उसे करना भी चाहिए, वो इस बात की खबर रखती थी कि भाई पीछे से कोई काफिला आ तो नहीं रहा है, तो खबर मिल गई अबू सुफियान को। चले ये मोहम्मद के साथी और मोहम्मद खुद आ रहे हैं हमारा ताकुब करते, तो अब उल्टी बात हुई, इधर की नफ्सियात मजबूत हो गई, इधर की हिम्मत बुलंद हो गई, और उधर अबू सुफियान ने कहा कि इसका मतलब है इनके पास ताजा दम फौज और है, जल्दी चलो भागो इससे, जल्दी चलो, जल्दी चलो निकलो जल्दी। उधर उनकी हिम्मत बस और इधर इनकी हिम्मत बुलंद, और यही नहीं अबू सुफियान भी कमांडर इन चीफ था, जबरदस्त जहीन इंसान था, उसने फौरन एक चाल का जवाब चाल से दिया, और उसने एक शख्स जिसका नाम भी किताबों में आया है नईम इब्न मसूद, उसको कहा तुम जाओ और जाकर मदीने में ये बात फैलाओ, ये खबर फैलाओ कि बहुत जबरदस्त हमले की तैयारी हो गई है, सामान भी इकट्ठा हो गया है, फौज भी इकट्ठा हो गई है, और बस आज नहीं तो कल एक बहुत बड़ा हमला मदीने पर अब मक्के वाले आकर करने वाले हैं, ये खबर फैलाओ ताकि इधर इनकी हिम्मतें पस्त हों। देखो एक गरोह दूसरे की हिम्मत पस्त कर रहा है, अपनी हिम्मत बुलंद कर रहा है, वो गरोह इधर हिम्मत पस्त कर रहा है, अपने साथियों की हिम्मत बुलंद कर रहा है। मैच में यही होता है, आज के मुसलमान हजरत वो जुल्म कर रहे हैं, इन्हें बिल्कुल ऐसे ही मामला जैसे कि फौज शिकायत करे कमांडर साहब सर वो गोली चला रहे हैं, उधर से गोली आ रही है, तो फौज का कमांडर कहेगा आप क्या समझ रहे थे गुलाब के फूल आएंगे, लखनऊ का इतने मजमू का आपका इस्तकबाल होगा, आप दामाद के से तशरीफ लाए, आप बारात में आए क्या, क्या पागलपन है, नॉनसेंस बातें करते हैं लोग। अबू सुफियान ने जवाब में नईम मसूद के जरिए मदीने के अंदर एक प्रोपेगेंडा करवाया, वो प्रोपेगेंडा यह हुआ कि इन्नल्लाह सकद जमाऊ लकुम, बहुत जबरदस्त तैयारी है, यह होगा यह होगा यह होगा, सोचते जाओ क्या क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है मीडिया और क्या जहनों के अंदर दिखा रहा है, हर अखबार के ऊपर लिख दो अल्लज़ीन क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम, हर टीवी के चैनल पर हर नशरिए पर लिख दो इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम। अल्लाह ताला ने फौरन क्या किया, नईम मसूद अपना प्रोपेगेंडा कर रहा था, अल्लाह ने अपना मीडिया भेज दिया जिसका नाम था जिब्रील अमीन, और वो जिब्रील अमीन आए और उन्होंने अल्लाह की तरफ से एक खबर नशर की, एक पैगाम नशर किया, अल्लज़ीन क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम। ईमान वाले कौन हैं, ईमान वाले वो हैं जिनसे लोग ये कह रहे हैं कि लोगों ने जबरदस्त तैयारी की, नास नास नाम नहीं आ रहा, सन परिवार और सुना परिवार, ये सब कुरान की जबान नहीं है, ये राष्ट्रीय सहारा की जबान हो सकती है, ये कुरान की जबान नहीं है, इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम, लोगों ने बड़ी तैयारी कर ली है, इकट्ठा कर लिया है, इकट्ठा हो भी गए हैं, और बहुत अफराद और मैन पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज और हथियार सब जमा कर लिए, जमाऊ लकुम, जमाऊ का मफूल गायब, उलमा गौर करें क्या जमाऊ, जमाऊ कुल चाहिए, जमाउल माल, जमाउल अफराद, जमाउल जियूश, जमाउल सयूफ, जमाउल खैल वल बिगाल, जमाउल कुल शय, इन्नन्नास क़द जमाऊ लकुम, फख्शाउहुम, डरो 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 उनसे, फख्शाउहुम, मुसलमान खौफजदा हैं, मुसलमान बहुत घबराए हुए हैं, मुसलमान बहुत परेशान हैं, और कुछ अहमक मुसलमान भी कह रहे हैं हम बहुत खौफजदा हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, फख्शाउहुम फख्शाउहुम, देखो क्या तर्जुमानी है, कौम के अंदर एहसास से कमतरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और करनी चाहिए, जो लोग कुछ और चाहते हैं वो करेंगे, हमें शिकायत करने का क्या हक है भाई, हमें क्या उम्मीद है उसके सिवा,
हम क्यों इसमें शिकायत कर रहे हैं? देखिए इस तरह की बात कर रहे हैं, देखिए इस तरह की बात कर रहे हैं। बात बच्चों का मिजाज शिकायत करने का बहुत होता है, बात बात में शिकायत करते हैं। इन्ना सकत जमाऊ रकुम फख्शौहुम, तो क्या है ईमान वाले कौन है? ईमान वाले वो हैं फजादहुम ईमाना। अजीब अजीब, ईमान वाले वो हैं कि इस पूरे प्रोपेगेंडे को सुनकर उनका ईमान और मजबूत हो जाता है, और मजबूत हो जाता है। अजीब बात है, हिम्मत और बुलंद, इरादा और पक्का, यकीन और मजबूत अल्लाह ताला पर, इसलिए कि उनका जहन अल्लाह की तरफ जाता है, सोच बदल जाती है। मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि जब ये हकीकत दिल पर खुल जाती है और छा जाती है कि करने वाली जात अल्लाह की है, तो हर हर जुमले का रिएक्शन, हर जुमले का जवाब, हर वाक्य का रिएक्शन, हर हर वाक्य पर तबसरा अलग होता है उस शख्स का जिसके दिल पर यह हकीकत खुली हुई होती है कि करने वाली जात अल्लाह की है। और फिर उन्होंने क्या कहा जवाब में? वकालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उन्होंने जवाब में कहा हमारे लिए अल्लाह काफी है और वह बेहतरीन सहारा है, बेहतरीन मददगार है। पता ही चला जब हालात ज्यादा कुछ परेशान कुल नजर आए, वही वक्त है अल्लाह की तरफ अपने रुजू को बढ़ा देने का, अल्लाह से उम्मीदों को बढ़ा देने का, अल्लाह पर यकीन को बढ़ा लेने का, और अल्लाह ताला की कुदरत को अपने हक में मदद के तौर पर इस्तेमाल करने की, तदबीरें करने का, कोशिशें करने का, दुआएं मांगने का। जब ये रद्द अमल हुआ उस प्रोपेगेंडे का, उस चाल का, तो क्या नतीजा निकला? कुरान बताता है फनकलबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़ल लम यमसस्हुम सू। फिर से नतीजा ये निकला कि ये लोग अल्लाह के नेमत और एहसानात के साथ बहुत मुतमईन वापस आए, कोई बाल भी इनका बीका नहीं हुआ, कोई नुकसान इनको नहीं पहुंचा। वह तबाउ रिजवान अल्लाह, और अल्लाह की रजामंदी की नेमत भी इनको मिल गई, अल्लाह की, अल्लाह भी राजी हुआ, और नफ्सियाती जंग भी जीत गए और हर एतबार से महफूज भी हो गए। इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युखव्वल्लाहु ज़ु फ़ज़लिन अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युखव्वफ़ु औलियाअहु, साफ साफ सुन लो, ये दरअसल शैतान है जो दरअसल अपने दोस्तों से तुमको डरा रहा है। अजीब बात है, कुरान मजीद मुतवज्जे करता है खैर के एतबार से अपनी तरफ अल्लाह की तरफ, और शर की ताकतों के एतबार से मुतवज्जे करता है शैतान की तरफ। हमारा असल दुश्मन फला पार्टी नहीं है, फला लीडर नहीं है, फला परिवार नहीं है, फला तंजीम नहीं है, हमारा असल दुश्मन शैतान है, और वो शैतान है जो हमारे तुम्हारे दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रहा है, हमारे तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शैतान है जो हमको तुमको आपस में दुश्मनी करने पर उकसा रहा है। अभी तुम नहीं समझे हो, मगर अभी हम समझ गए। और वो क्या करता है? वो करता यह है इन्नमा ज़ालिकुम शैतान। नईम इब्न मसऊद का नाम कुरान में नहीं लिया, अबू सुफियान का नाम कुरान में नहीं लिया, कुरान ने नहीं कहा कि ये शैतान डरा रहा है, वो डरा रहा है, कुरान ने कहा शैतान डरा रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब नफरत किससे करनी है हमको? शैतान से। दुश्मन वो है हमारा, और वो बेचारे जो शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है वो नफरत के लायक नहीं है, वो मोहब्बत और रहमत के लायक है। उनको किसी तरह शैतान के चंगुल से निकालना ये हमारा काम है। शैतान किसी को अलगकार बना रहा है, मेरे अल्लाह सबील बना दीजिए इस बात की, रास्ता निकाल दीजिए कि हम अपने इन बासलाहियत लोगों को, इन हौसलामंद लोगों को शैतान के अलगकार न बनने दें। हमें उनकी सलाहियतों की कदर है, हम तस्लीम करते हैं कि आज के इस गए गुजरे दौर में भी कुछ लोग हैं जिनके अंदर अजायम है, जिनके अंदर उमंगे हैं, जिनके अंदर सिर्फ जाती ख्वाहिशात और माल दौलत बटोरने के हौसले नजर नहीं आते, बल्कि ज्यादा नजर जो आता है वो ये कि वो अपने इस मुल्क को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना हुआ देखना चाहते हैं। तो याद रखना, अल्लाह के यहां मुकम्मल इंसाफ है,
मुसलमान का दिल भी चाहता है कि अगर कोई हिंदू, आज मैं गैर मुस्लिम के लफ्ज बोलने के बजाय साफ साफ लफ्ज बोल रहा हूं हिंदू, अगर हिंदू दूध में शक्कर डाले तो मुसलमान का दिल चाहता है वो कंबख्त कड़वा हो जाए। वो डालना है शक्कर और मुसलमान की तमन्ना यह है कि वो कड़वा हो जाए, इसलिए कि वो हिंदू है। और हम अगर करेले का जूस भी डालें तो वो रूह अफ़ज़ा हो जाए, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह का मामला अपने बंदों के साथ इस तरह का नहीं है, याद रखना। सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं, सारी कौमें अल्लाह के बंदे हैं। जिस मोहब्बत से अल्लाह हमारे लिए सूरत निकालता है उसी मोहब्बत से अल्लाह उनके लिए भी सूरत निकालता है। जिस मोहब्बत से अल्लाह हमारे लिए हवाएं चलाता है उसी मोहब्बत से अल्लाह उनके लिए भी हवाएं चलाता है। अगर उनके अंदर कोई ऐसे लोग पैदा होते हैं कि उनके अंदर जज्बात हैं, हौसले हैं, तमन्नाएं हैं और उमंगे हैं, और बचपन से उन्होंने कुछ ख्वाब देखे हैं और उनके सामने बस अपनी कौम को ताकतवर बनाना है, तो एक न एक मौका अल्लाह उनको अपनी तमन्नाओं के और हौसलों के निकाल लेने का देकर रहेगा। ये अल्लाह की सुन्नत है, बिल्कुल तय है ये बात, मौका मिलेगा। बिल्कुल अय्याम युदाविरुहा बैनन्नास, यकीनन अल्लाह का मौका देगा। ऐसा कभी नहीं करेगा अल्लाह क्या हम उसको मौका नहीं देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, मौका मिलेगा। और किसी के अंदर अगर कुछ जाती नेकियां और खूबियां हैं तो उसको दुनिया में उसका इनाम अल्लाह ताला देकर रहेंगे। याद रखना, दुनिया में इनाम अल्लाह ताला सबको देकर रहेंगे। महदूरा, अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है आखिरत में मरने के बाद का जो मामला है वहां मामला यह है कि ईमान शर्त है, वहां मामला यह है कि अमल साले शर्त है, वहां शर्त है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर और उनके लाए हुए तरीके पर चलना, यह शर्त है। लेकिन दुनिया की तरक्की, दुनिया की इज्जत, दुनिया की मकबूलियत या दुनिया के अंदर की और नेमतें, यह अल्लाह ताला बिल्कुल कतई इसमें ईमान शर्त नहीं है, कतई इसमें तकवा शर्त नहीं है, कतई इसमें इखलास शर्त नहीं है। अगर किसी के अंदर कोई खूबी है, कोई खूबी है, और खूबी दुनिया जाने न जाने अल्लाह जानते हैं। और याद रखना, जब तक ये जहन नहीं बनेगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जहन था जिसमें दूसरी कौमों के बेहतरीन खूबियों वाले बहादुरों को अल्लाह के रसूल ने अपनी तरफ खींच लिया, ये जहन था। आज की दुनिया में किसी के बारे में बहुत शोरत है कि वो बहुत बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का। मैं पूछता हूं, खालिद बिन वलीद से बड़ा दुश्मन है? क्या कयामत ढाई थी खालिद बिन वलीद ने? वो मुशरिकों का सबसे बड़े लीडर थे, कमांडर थे और मैन ऑफ द वॉर थे। क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग होती थी उनकी जंग की? खुदा ने सलाहियतें दी होती हैं बाद लोगों को कि जो प्लानिंग करते हैं वो कामयाब होती है। एक्सलेंट सलाहियत थी। अब एक तरीका यह है कि जिसके पास जबरदस्त सलाहियत है उससे जलो, उसके लिए बददुआ करो, उससे नफरत करो, एक तरीका यह है। और एक ये है कि जिसके अंदर सलाहियत है उसके लिए रो रो कर दुआएं करो कि अल्लाह क्या प्यारी सलाहियत है, अगर ये सही इस्तेमाल हो जाएगी तो करोड़ों गरीबों का भला हो जाएगा। अल्लाह अगर ये सलाहियत सही इस्तेमाल हो गई, इस बंदे के अंदर, इस इंसान के अंदर एक विल पावर है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहियत है। अब अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने देखो हजरत खालिद को किस नजर से देखा। इतनी नफरत थी हजरत खालिद को कि मैं तो चैलेंज के साथ कह सकता हूं आज के किसी भी कट्टर से कट्टर हिंदू को किसी मुसलमान बुजुर्ग से ऐसी नफरत नहीं हो सकती। उनको नफरत होगी भी तो कुछ चीखने चिल्लाने वाले लोगों से होगी या कुछ अपनी सियासी मसलहत के रास्ते में रुकावट डालने वालों से होगी, लेकिन आज इनके सामने तो, हमारे सामने तो वो कौम है, अगर इनके सामने कोई बेगरज और बिल्कुल
एकदम इनसे सच्ची मोहब्बत करने वाला है, रूहानी शख्सियत अगर इनके सामने आ जाए तो ये तो पैर तो पड़ जाते हैं, कदमों तो सर रख देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी नफरत थी खालिद को कि जब आप सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्के मुकर्रमा तशरीफ लाए तो खालिद के भाई सईद इब्ने वलीद ये अल्लाह के रसूल के पास आए। हुजूर ने उनको देखते ही पूछा अईना खालिद, खालिद कहां है? सईद इब्ने वलीद ने साफ साफ कहा कि मोहम्मद खालिद को आपसे इतनी नफरत है कि जब कुरैश के लीडर्स ने आपको मक्के में 3 दिन के लिए आने की इजाजत दे दी उम्रे कजा के मौके पर, तो खालिद ने यह कहा कि भाई मैं मक्के से बाहर चला जाऊंगा वरना मैं मक्के में अगर रहूंगा और मोहम्मद पर मेरी नजर पड़ जाएगी मैं जान से मारे बगैर अपने आप को रोक ही नहीं सकूंगा, मैं जीत उसको जिंदा यहां से वापस जाते हुए नहीं देख सकता, लेकिन मजबूरी है मेरी, कुरैश की लीडरशिप ने मुआहदा कर लिया और 3 दिन का वीजा दे दिया, 3 दिन के लिए आने की इजाजत दे दी, लिहाजा अब मैं उसका एहतराम करता हूं मगर मैं मक्के में नहीं रह सकता। तो सईद ने कहा कि मोहम्मद खालिद आपसे नफरत की वजह से मक्के छोड़कर चला गया। न सईद इस वक्त ईमान लाए थे और खालिद के तो दुश्मनी का ही आलम था। क्या रिएक्शन था इस पर अल्लाह के रसूल का? अल्लाह, अब बताओ ये सुनकर कोई गुस्सा आया आपको? आपने फरमाया लिल्लाही दुर्रु अक्ल खालिद, खालिद तो बहुत समझदार आदमी है, खुदा ने उसको बहुत समझ दी है। क्या समझ है उसकी? अकल, अकल की जो अकली सलाहियत थी उसको सराहा अल्लाह के रसूल ने, काश आज उम्मत के अंदर ये समझ आए कि हम भी सलाहियतों का एतराफ करें चाहे वो हमारे बदतरीन दुश्मन की सलाहियत हो। क्या अभी तक खालिद की समझ में ये बात नहीं आई कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है? और क्या अभी तक खालिद की समझ में ये बात नहीं आई कि जो कुछ भी मोहम्मद कह रहा है ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अपने रब की तरफ से कह रहा है, सारे इंसानों के रब की तरफ से कह रहा है? फिर आपने फरमाया एक ठंडी सांस लेकर, काश कि कोई पैगाम पहुंचाने वाला मेरा ये पैगाम खालिद तक पहुंचा देता कि अगर खालिद हमारी तरफ आएंगे तो हम उनको सबसे आगे ही रखेंगे, पीछे नहीं करेंगे, हम उनकी सलाहियतों के कदरदान हैं, हम जानते हैं कि खालिद में क्या सलाहियतें हैं। बस ये गुफ्तगू खत्म हो गई, हुजूर मदीने मुनव्वरा वापस आ गए। अब खालिद मक्के वापस आए, अब देखो दुश्मनी के पीछे भी अंदर कुछ रिश्ता होता है, इस नफ्सियात को समझो। चुनांचे खालिद सबसे पहले अपने भाई सईद के पास आए, सईद सुनाओ क्या हुआ, 3 दिन कैसे गुजरे? खालिद में क्या बताऊं, मैं तो गया था मोहम्मद के पास। अच्छा तुम गए थे, तुम मिले थे, क्या हुआ फिर क्या हुआ? वाह अरे दुश्मन, तुझे पता नहीं है तू दुश्मन नहीं है, तू आशिक है, तू आशिक है, तुझे पता नहीं है। दुश्मन भी आदमी उसी का होता है ना जिसमें कुछ जिसकी कोई हैसियत होती है, जिसकी कुछ हैसियत है। हम याद तो आते हैं ना तुमको, चाहे जब याद आते हैं जिस मूड में याद आते हैं याद तो आते हैं, और भी तो बहुत सी कौमें इस मुल्क में बसती हैं जो तुमको याद ही नहीं आती। तो हमने कुछ नंबर तो कमाए हैं ना, कुछ स्कोर तो किया है ना, आज होगी दोस्ती इंशाल्लाह।
अच्छा तुम गए थे, क्या हुआ क्या हुआ? अरे मैं गया था। फिर क्या हुआ? मुझे देखते ही उन्होंने पूछा कि खालिद कैसे। अच्छा अल्लाह, मेरा जी चाहता है कि कोई एक्शन प्ले करे। मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि इस पर इंशाल्लाह अगले साल ड्रामा करें। अरे अच्छा, मैंने ही पूछा क्या हुआ, फिर तुमने क्या कहा? सांस फूल रही होगी और एक्साइटेड होगा वो। जानते हो क्या कहा खालिद? मोहम्मद ने कहा लिल्लाह दुल्लु अक्ल खालिद, खुदा ने खालिद को बड़ी समझदारी से नवाजा है, बहुत समझदार है खालिद। क्या अभी तक उसकी समझ में यह बात नहीं आई कि मोहम्मद कोई हुकूमत और बादशाहत के पीछे नहीं पड़ा है, मोहम्मद तो नबूवत और रिसालत की जिम्मेदारी अदा कर रहा है। मोहम्मद कुछ देना चाहता है, लेना कुछ नहीं चाहता। क्या अभी तक खालिद की समझ में ये बात नहीं आई? अच्छा, और फिर क्या कहा? और फिर सुनो, आगे बढ़कर तो मोहम्मद ने यह भी कहा, काश मेरा कोई पैगाम खालिद तक पहुंचा देता कि अगर खालिद हमारी तरफ आएंगे तो हम उनको आगे ही रखेंगे, पीछे नहीं रखेंगे। बस ये जुमले महबूब दो आलम के खालिद के दिल की गहराइयों में उतर गए, बदल गए खालिद। एक लफ्ज भी बोले, खालिद अपने घर गए, घोड़ा तैयार किया, हथियार लिए, जीन कसा, घोड़े पर बैठे और उसके बाद निकले बाहर और मक्के में चारों तरफ एक राउंड लेते हुए कहा, ओ मक्के के लोगों, ओ तमाम बहादुरों, ओ सूरमाओं, सुन लो, खालिद जा रहा है मोहम्मद की गुलामी कबूल करने के लिए। जिस किसी को खाल अपनी अपना अपनी जिंदगी से सौदा करना हो, आए खालिद का रास्ता रोके। जिसने अपनी मां का दूध पिया हो, आओ खालिद का रास्ता रोको। थोड़ी देर में सामने से एक और घोड़ सवार नजर आया, उसने आवाज देनी शुरू की, कपड़ा हिलाना शुरू किया। खालिद ने तलवार निकाल ली, आओ जो भी हो जल्दी आओ मेरे सामने, मैं भी आ रहा हूं, अभी तेरा काम तमाम करूंगा, मुझे मोहम्मद के गुलाम बनने से कौन नहीं रोक सकता। उधर से सफेद कपड़ा हिलाया, खालिद बात तो सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ मोहम्मद के गुलाम बनने के लिए जाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, खालिद की जबान से नारे तकबीर निकला। यह दूसरा बड़ा लीडर था अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह अन्हु। अब ये दोनों बहुत बड़े बड़े लीडर, मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, हम मुसलमानों की गुनहगारों की सजा हमारे मुल्क की सच्ची कौम को मत दीजिए, इस कौम के अच्छे लीडरों को मत दीजिए, इनको में से भी किसी को आज का खालिद बना दीजिए, आज का अम्र इब्ने आस बना दीजिए, आज का अम्र इब्ने खत्ताब बना दीजिए, अल्लाह इनको अबू सुफयान बना दीजिए, हमारी सजा इनको मत दीजिए, इनमें बहुत अच्छे लोग हैं। अब ये दोनों मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए, तेज रफ्तार घोड़े के साथ। अभी मदीने में दाखिल भी नहीं हुए, शहर में आए भी नहीं, और यहां मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं शहंशाह कायनात, फकीर बेनवा, रहमत आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप अपने साथियों से कह रहे हैं, अपने दो नए मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाहु अकबर, अजीब साहबे किराम, कौन मेहमान? अभी आने दो, आने दो, देखो आने दो, आने दो। वो दोनों आते हैं, घोड़े से उतरते हैं, घोड़ों को बांधते हैं, अपने चेहरों को साफ करते हैं, मेरे कुचेले इस साफ इंसान के सामने नहीं जाना। अंदर आते हैं, हुजूर मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करते हैं, सहाबा हैरत से देखते हैं, खालिद अम्र, खालिद अम्र, खालिद अम्र, किस इरादे से आए हो? घुटने के बल दोनों बैठते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, हम तौबा करने आए हैं, हमें कलमा पढ़वा लीजिए। और आप कहते हैं, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और पूरी मस्जिद नबी नारे तकबीर से गूंजती है। और ताकत मिल गई सच्चाई को, और ताकत मिल गई इंसाफ को, और ताकत मिल गई मजलूमों को। अब दुनिया में और ज्यादा जल्दी इंसाफ फैलेगा, गरीबों और मजदूर मजलूमों की मदद होगी। कहां है मुसलमान? एक नहीं है जिसके दिल में यह तमन्ना हो।
ایک نہیں ہے جس نے ایک مرتبہ بھی تہجد پڑھ کر یہ دعا مانگی ہو، اللہ اے خالد بن ولید کو ہدایت دینے والے، اے عمر بن خطاب کو ہدایت دینے والے، نریندر مودی کو بھی ہدایت دے دے، ایل کے اڈوانی کو بھی ہدایت دے دے، اللہ ان سے کام لے لے، ان میں صلاحیت ہے، اللہ ان میں صلاحیت ہے، اگر ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہمیں کاٹ کر پھینکوا دیجئے، مگر ان کو ہدایت دے دیجئے، اور کیا اچھا ہو اللہ نہ ہمیں آپ محروم کریں نہ ان کو محروم کریں۔ اے لوگوں، صاف صاف دل کے اندر سے خوف کے ذرات کو نکالو، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا فزادهم ایمانا، ہمارا یقین اور بڑھنا چاہیے۔ اور ایک ہے مسئلہ ایمان کا اور دوسرا ہے مسئلہ عمل صالح کا۔ اب میں کچھ بات عمل صالح کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ اگر آپ کی ایسی قدرت ہے اور آپ کی ایسی طاقت ہے تو پھر آپ مدد کیسے کرتے ہیں؟ تو جواب آتا ہے، سچے بن جاؤ میں مدد کروں گا، سخی بن جاؤ میں مدد کروں گا، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن جاؤ میں مدد کروں گا، اپنے مال کو شادیوں پر اور فیشن پر خرچ کرنے کے بجائے میرے غریب بندوں پر خرچ کرو میں مدد کروں گا، بہادر بن جاؤ میں مدد کروں گا، امانت دار بن جاؤ میں مدد کروں گا، عیبوں کو چھپانے والے بن جاؤ میں مدد کروں گا، غیبت چھوڑ دو میں مدد کروں گا، بدگمانی چھوڑ دو میں مدد کروں گا، تکبر چھوڑ دو میں مدد کروں گا، اچھی عبادت کرو میں مدد کروں گا، خلق خدا کی خدمت کرو میں مدد کروں گا، اللہ کے بندوں سے نفرت کرنا چھوڑو میں مدد کروں گا، نفرت کے جواب محبت سے دینا سیکھو میں محبت کروں گا، کوئی تم کو تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے سوچو تمہارے آقا نے کیا کیا تھا، کیا اس کانٹے بچھانے والے کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے یا اسی عورت کے گھر میں پہنچ گئے تھے اور پوچھا تھا، کئی دن سے کانٹے نہیں ہیں، میں خیریت پوچھنے آیا ہوں، گھر میں کوئی بیمار ہو کوئی کام ہو تو میں سودا لا دوں میں خدمت کروں۔ وہ عورت کہنے لگی، کود گئی نیچے اور آ کر اس نے کہا، محمد آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے مالک کی قسم کھا کے تم کہہ سکتے ہو کہ تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ محمد نے کہا، میں آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مائی میں صرف اس لیے آیا ہوں، میں بدلہ لینے نہیں آیا۔ وہ عورت کہتی ہے، محمد مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اللہ اللہ، آج کے کافر اتنے سخت نہیں ہیں جتنے مکے کے کافر سخت تھے، آج کے مشرق اتنے سخت نہیں ہیں جتنے مشرق کے سخت تھے، آج کے کافر اجمیر شریف جاتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مزار کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان میں لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، کرسی پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ دبے کچلوں کو عزت والی زندگی دینے کے لیے آئے تھے۔ کوئی لیڈر، کسی پارٹی کا لیڈر جب بھی الیکشن لڑتا ہے تو پہلے وہ حضرت خواجہ کے پاس جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کاش کہ خواجہ کی محبت کا صحیح طریقہ بھی ان کو معلوم ہو جاتا، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اتنا تو ہم کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ہے، ان کے دلوں میں اللہ والوں کی عزت ہے، اور انہوں نے تاریخ پڑھی ہے، یہ جانتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی یہاں سے کچھ چھیننے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ فقیر تھے، فقیر رہ کر فقیر رہ کر مرے۔ ارے مسلمانوں، ہم تم کو خواجہ کے راستے پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں، خانقاہیں کیا کام کرنا چاہتی ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات تمہارے دلوں میں نہیں اتار پا رہے، مگر ہماری گنہگاری کی وجہ سے اپنے کو محروم مت کرو، اپنے کو محروم مت کرو، کیوں کھچا رہے ہو، کیوں قدم آگے نہیں بڑھا رہے، کیوں میرے بات چاک نہیں کرتے، کیوں سخاوت اختیار نہیں کرتے، کیوں سجدوں میں گر کر روتے نہیں ہو؟ ایک ایک ہندو سے کہو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم تمہارے بدخواہ نہیں ہیں، مانو ہم دل سے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اللہ اپنے محبوب کے کچھ دیوانوں کو کھڑا کر دے کہ وہ آج کی آج بھی راتوں کو اٹھ کر وہ دعائیں مانگا کریں۔ اے خدا اے خدا، اس ملک یہ ملک بڑی زبردست تاریخ والا ہے، اس ملک کو ضائع مت ہونے دیجئے، اس ملک کو برباد مت ہونے دیجئے، اللہ اللہ اس ملک میں بڑی بڑی عظیم روحانی شخصیتیں آئی ہیں، بڑے رشی منی آئے ہیں، یہ ملک روحانیت کا گہوارہ ہے، اللہ ہم کیسے بھول جائیں اس بات کو، آپ نے جب پہلے انسان آدم کو زمین پر بھیجنے کا ارادہ کیا تھا جنت سے نکال کر، تو آپ نے ہندوستان کو پسند کیا تھا، اسی ملک میں آپ نے آدم کو اتارا تھا، کیوں یہ ملک آپ کو پسند آیا تھا؟ میرے عرب کو آئی
आई, हवा जहां से क्या है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। अल्लामा इकबाल ने कहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान के बारे में कहा था, मुझे हिंदुस्तान की तरफ से इल्म की खुशबू आती है, मुझे हिंदुस्तान की तरफ से रूहानियत की महक आती है, ये मुल्क मोहब्बत के लायक है। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तौबा करो इस बात से कि तुमने अपने हकूक की फिक्र की है, और शायद वो भी नहीं की, तुमने सिर्फ अपने नाच गाने की फिक्र की है, अपनी टीवी की फिक्र की है, अपने बीवी के मेकअप के पाउडर और क्रीम की फिक्र की है, तुमने माचिस और साबुन की फिक्र की है, तुमने इस मुल्क के करोड़ों गरीबों की फिक्र नहीं की। क्यों अब तक कोई मुसलमान नहीं उठा और उसने इस मुल्क के सामने कोई प्रपोजल पेश नहीं किया कि नक्सलियों के मसले का यह हल हम पेश करते हैं, हम इस प्रपोजल के बदले कुछ नहीं लेना चाहते, हम ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करते हैं होम मिनिस्ट्री के सामने कि हमारे नक्सली भाइयों के साथ इस तरह का मामला किया जाए ताकि वो बंदूक छोड़ दें, हथियार छोड़ दें, हम ये मसला पेश करना चाहते हैं तिब्बत के मसले के हल के लिए, सियाचिन के मसले के हल के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए। मैं जानता हूं कि मैं एक आम मजमे में बहुत ऊंची बात कर रहा हूं, बक रहा हूं, जुनू में क्या क्या कुछ में सस्पिश तो समझे, खुदा करे कोई। अब मेरी उम्मीदें, मेरे बूढ़े की उम्मीदें अब वाबिस्ता है सिर्फ इस दारुल इमाम रब्बानी के इन नन्हे मुन्ने बच्चों से और इस माहद के तलबा से। मैं इनको ऐसा आलिम बना हुआ देखना चाहता हूं कि ये इकोनॉमिक्स के माहिर हों, ये हफीज उल अलीम हों, और ये नारेबाजी करने के बजाय मुल्क के पार्लियामेंट के सामने, मुल्क के वज़रा के सामने, मुल्क के सदर जमहूरिया के सामने, मुल्क के वजीर आज़म के सामने मुखलिसाना तौर पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करें और ये बताएं महंगाई को कंट्रोल इस तरह किया जा सकता है, गल्लों को कंट्रोल इस तरह किया जा सकता है। खुदाए पाक की कसम, मैं सच कहता हूं, अगर नेक नियती के साथ अगर इस मुल्क की महंगाई को कंट्रोल करने और इस मुल्क के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है उसको कंट्रोल करने की मुखलिसाना कोशिश होगी तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं 6 महीने के अंदर मुल्क का निजाम पलट सकता है। खुदा का फजल है, मैं यूं ये बात अभी कह रहा हूं, एक जमाने में मैं एक मिनिस्ट्री का स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया था। मेरे वालिद साहब ने कहा इनकार मत करना, जाओ तुम। उस वक्त बिहार के एक मिनिस्टर थे, जब यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी, जब देवी गोड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया और मैंने एक मकाला, एक मजमून लिखा था तकरीबन 60 सफ़े का कि किस तरह इस मुल्क में जो जमीनें जरखेज हैं उस मुल्क में खेती को करके इस मुल्क के अंदर गल्ले को किस तरह फैलाया जा सकता है और जो गोदामों में गल्ला सड़ रहा है, हजार टन गल्ला हमारे मुल्क में सड़ रहा है, लेकिन कुछ चोर बाजार लोग हैं, कुछ बड़े बड़े सरमाकार, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं जो गल्ले को बाजार में नहीं आने देते, इसलिए कि अगर वो बाजार में आ जाएगा तो फिर जायने के रेट उससे गिर जाएंगे, फिर वो इतना लूट खसोट नहीं कर सकते। मैंने प्रपोजल पेश किया था और प्रपोजल के बाद जब वो कमेटी में डिस्कस हुआ तो मुझसे कहा गया, नुमानी साहब आप कहां मदरसे में बैठे हैं, आपको तो पार्लियामेंट में होना चाहिए, यह पहला मसला है जो एक प्रैक्टिकल हल पेश कर रहा है। अफसोस उस मौजू पर उस कमेटी ने इत्तेफाक राय से उसको मंजूर तक किया था और बहुत शानदार रिमार्क लिखे थे, लेकिन उसके 1.5 महीने के अंदर वो हुकूमत गिरा दी गई। क्यों गिरा दी गई वो मैं नहीं कह सकता इस वक्त क्या हुआ था, लेकिन मैं इन चीजों से मायूस नहीं हूं। ऐसे उलमा तैयार करो अल्लाह के बंदो, ऐसे उलमा से सिर्फ काम नहीं चलेगा जो सिर्फ मस्जिद में नमाजें पढ़ाते रहे, अब उलमा की जरूरत है जो इस मुल्क को क्राइसिस से बचाए जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचाया था, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बचाया था, और ये कतई मुश्किल काम नहीं है। जरूरत है एक इस बात की, अपनी अपनी जिम्मेदारियां तो अदा करें लोग, मैं क्या करूं, मैं छिपा करने का वाला मिजाज नहीं है। ताजिर हजरात क्या अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही, मैं पूछना चाहता हूं क्या इस मुल्क में मुसलमानों में जो बड़े बड़े ताजिर हैं, जो जिनके पास पैसा है, क्या उस पैसे को सही तौर पर वो लगा रहे हैं कौम को मजबूत करने के लिए, उम्मत को मजबूत करने के लिए, मुल्क के मसाइल के हल के लिए? क्या इस मुल्क में मुसलमान अहले कलम, मुसलमान सहाफी, मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियां, मुसलमान टीचर्स क्या अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं? लाखों टीचर्स हमारे हैं लेकिन वो बेहद बेईमानी के साथ स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाते हैं, फिर तनख्वाहें लेते हैं, बच्चों के अंदर कोई इंकलाबी जज्बात नहीं पैदा करते, कोई खिदमत के जज्बात नहीं पैदा करते। अपनी जिम्मेदारियां अदा करो, इस्लाम को समझो। इस्लाम सिर्फ टोपी लगा लेने, कुर्ते पजामे का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है, इस्लाम इंसानियत के भले के लिए अपना तन मन धन लुटा देने का नाम है।
ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وانا اول المسلمين. بہترین موقع اللہ کی قدرت نے دیا ہے مگر مجھے ڈر ہے کہ دو چار دن ان باتوں پر کچھ آپس میں تذکرے ہو کر پھر سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے ختم بس پھر نارمل زندگی ہو جائے گی اور ہونی شروع ہو گئی. اس طرح کام چلے گا ہم اللہ کو کیا جواب دے پائیں گے؟ کیا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے؟ یقین مانو بہت بڑی ذمہ داری ہے. حضرت محمد رسول اللہ کے غلاموں سے بڑھ کر دنیا پر کسی پر ذمہ داری نہیں ہے. سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے. لیکن ہر طبقے کو اپنے حصے کے دین پر آنا ہوگا. میرے جملے پر غور کرنا. ہر طبقے کو اپنے حصے کے دین پر آنا ہوگا. کسی قوم کے کچھ لوگ اگر قربانیاں دیں اپنے کیریئر کو قربان کریں اور کسی بڑے مشن کے لیے شروع سے خواب دیکھیں ان لوگوں کو آگے بڑھنے سے آپ کی بددعائیں روک نہیں سکتی. صاف صاف سن لیجیے بدپن نہیں روک سکتی آپ کی بددعائیں بالکل نہیں. اللہ کے ہاں زبردست انصاف ہے زبردست انصاف ہے. میں نے ابھرتے ہوئے کچھ لوگوں کی لائف ہسٹری جاننے کی کوشش کی ہے اور جو میرے پاس ذرائع اور وسائل تھے کھلے دل کے ساتھ میں نے ان کی زندگی کی تاریخ پڑھنے کی کوشش کی ہے. مجھ کو وہ لوگ پسند ہوں یا نہ ہوں اور آپ کو وہ لوگ پسند ہو نہ ہو لیکن ان کی زندگی میں میں نے شروع سے کچھ باتیں دیکھی ہیں. میں نے دیکھی ہیں ان لوگوں کی زندگی میں کہ بچپن سے ان کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں تھیں. میں اکثر اپنے دارالعلوم امام ربانی کے بچوں سے جب بات کرتا ہوں تو اکثر بیشتر ان سے کہتا ہوں کہ ابھی سے اپنے اندر بڑے بڑے عزائم لاؤ. مجھے نہیں پتا کہ وہ بچے اس بات کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں. میں ان کے سامنے روایتی قسم کی نصیحتیں نہیں کرتا. میں ان کے دل کے اندر ان تمناؤں کے چراغ کو جلانا چاہتا ہوں. میں نے تاریخ پڑھی ہے اس دور کے اندر بھی ابھرنے والے کچھ لوگوں کی اور اس تاریخ کی یہ بات یقیناً قابل قدر اور قابل ذکر ہے کہ بچپن سے کچھ تمنائیں دل کے اندر آئی تھیں. آپ کو وہ تمنائیں بری لگیں وہ آپ کا کام ہے لیکن ان لوگوں کو جو ماحول ملا اس ماحول کے لحاظ سے ان کے لیے وہ سب سے بہترین تمنائیں تھیں اور ان تمناؤں کی وجہ سے انہوں نے تعلیم تک چھوڑ دی. زبردستی کر کے شادی کر دی گئی تو شادی شدہ زندگی کو لات مار کے بھاگ گئے. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان کے اندر کچھ بہت بڑے کام کر دینے کے آزائیں ہیں. اور یاد رکھو خدا کبھی محروم نہیں کرتا. جس کے اندر جو عزائم ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو ان عزائم تک پہنچا دیتا ہے. ہمارے اندر کیا عزائم ہیں؟ آپ کے بچوں کے اندر کیا عزائم ہیں؟ کبھی جھانک کر دیکھا کوئی ولولہ کوئی شوق کوئی جذبہ کچھ بننے کا پیدا ہی نہیں ہوتا. یہ دبی دبی تمنا یہ تھکے تھکے ارادے یہ دبی دبی تمنا یہ تھکے تھکے ارادے کہہ دو میرے کارواں سے خودی کے لئے بڑھا دے. آپ زیادہ سے زیادہ کبھی اپنے بچوں سے کچھ بات کرتے بھی ہیں بڑا احسان کرتے ہیں تو یہ کہ بیٹا نماز پڑھی تم نے. یہ بہت دیندار بات اپنے بچوں سے کرتا ہے ورنہ یہ بات کرنے کی بھی آج آپ کو فرصت نہیں ہے. لیکن آپ نے کبھی اپنے بچوں سے یہ باتیں کی کہ بیٹا اس ملک کی قسمت کو بدلنا ہے اس امت کی تقدیر کو بدلنا ہے بیٹا اندھیروں میں چراغ جلانا ہے
मोहम्मद फातिह की मां उनसे क्या बातें करती थी, मोहम्मद इब्न कासिम की मां और बाप उनसे क्या बातें करते थे, टीपू सुल्तान किस मां के बेटा था, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी किस मां बाप की औलाद थी, कहां से उनके अंदर ये तमन्नाएं आई थी। आपको तो कभी तौफीक ही नहीं मिलती मुझे माफ करना कि अपने बच्चों से कुछ बातें करें। बड़े बड़े उलमा अपने बच्चों से इस किस्म की बातें नहीं करती। हमारे अंदर खुद को तमन्नाएं नहीं रह गई। ये हालात ने एक मौका दिया है अल्लाह ताला की एक बड़ी शानदार मंसूबे के तहत, शायद एक मौका हमको मिला है। ये मौका है कि अपने ईमान को भी देखें और अमल को भी देखें। और आज खुदा करे आपकी समझ में वो बात आई हो जो मुख्तसरन कही जाती है, तो इस जमाने में कुरान और हदीस की जुबान से दूर हो जाने की वजह से वो बात समझ में नहीं आती। और वो बात क्या है, का वो बात वही है जो एक जमात का साथी नमाज के बाद खड़े होकर ऐलान करता है कि भाई साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, कामयाबी तो ईमान और आमाल सालेहा में है, इसलिए भाई इस मौजू पर सब लोग जरा रुक जाएं, कुछ बात हो। ईमान और आमाल सालेहा में कामयाबी है, इसी पर तो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं। लेकिन आज ना ईमान का मतलब समझ में आ रहा है, ना आमाल सालेहा का मतलब समझ में आ रहा है। आमाल सालेहा लफ्ज बना जाता है तो नमाज रोजा कुछ समझ में आ जाता है। नहीं, आमाल सालेहा में दाखिल है आपस का इत्तेहाद, आमाल सालेहा में दाखिल है सखावत, आमाल सालेहा में दाखिल है बुलंद हिम्मती और अजाइम, आमाल सालेहा में दाखिल है किफायत शियारी, एक एक पैसा बचा बचा कर सिर्फ अपनी चोटियों पर खर्च करने के बजाय मुल्क मिल्लत की तरक्की पर खर्च करना, यह आमाल सालेहा में दाखिल है। रूह है आमाल सालेहा की, मकसूद है आमाल सालेहा का। हमारे सालेहा का मतलब अपने लिए जीने के बजाय इंसानियत के लिए जीना, अच्छी तालीम हासिल करना। एक नौजवान जिसने एमबीए किया है, एमएससी किया है, मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है, साइंस पढ़ा सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा सकता है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकता है, इंग्लिश पढ़ा सकता है, उसके लिए हमारे सालेहा नौजवानों सुन लो, अल्लाह मेरी ये बात नौजवान तक पहुंचा दे, उसके लिए इस्लाम का तकाजा यह है कि तुम अपनी इस डिग्री को सिर्फ चंद पैसों के तहत मत बेचो, बल्कि तुम अपनी इस एजुकेशन के जरिए से अपनी नई नस्ल को ऐसा बनाओ कि वह मुल्क के मसलों को हल कर सके। यह है तुम्हारे लिए आमाल सालेहा। तुम हज पे हज करते रहो, तुम उम्रे पे उम्रे करते रहो, और तुम कुछ भी करते रहो, मैं सफाई से कहना चाहता हूं कि यह उसका दीन नहीं है। मैं क्या करूं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज अजनबी हो गई हैं। मैं पूछता हूं, बहुत से लोग हर कुछ दिन हजरत हजरत माशाल्लाह उम्रे बजा रहे हैं, दुआ फरमा दीजिए, फैमिली के साथ उम्रे बजा रहे हैं, माशाल्लाह कौन सा उम्रा है आपका, अल्लाह की तौफीक से माशाल्लाह 15वीं दफा जा रहे हैं। तुमने कभी किसी आलिम से पूछा कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे राजी उम्रा करने से होगा, या तुम्हारा अल्लाह इस पैसे को किसी अच्छे पुख्ता कौम को मजबूत करने वाले काम पर लगाने से होगा, या किसी गरीब की मदद से होगा? इमाम गज़ाली ने साफ साफ लिखा है कि वो लोग जिनके इर्द गिर्द गरीब रहते हो, जिनके इर्द गिर्द बेवाएं और यतीम रहते हो, जिनके इर्द गिर्द मखलूक लोग रहते हो, और जो खवास से खुदा के मंजे मंडों में से न हो, जो मखसूस किस्म का फैज हासिल करने की इस्तेदाद रखते हैं हरमैन शरीफैन से, और आलम के नुमाइंदों से मिलने वाले भी लोग न हो, उन ताजरों के लिए अल्लाह की रजा का जरिया उमरा करना नहीं है। उन ताजरों के लिए अल्लाह की रजा करने का हासिल करने का जरिया अपने पैसों को किसी बड़े से पूछ कर सही मसरफ पर लगाना है। हर एक का दीन अलग है। तुम वकील हो, तुम एडवोकेट हो, तुम लॉयर हो, तो तुम्हारा ये नहीं दीन है कि तुम पैसे कमाओ और पिकनिक के लिए उम्रे पर चले जाओ। तुम्हारा दीन ये है कि तुम जेलों में जाओ, तुम जाकर देखो वहां कितने गरीब कैदी ऐसे पड़े हैं जिनके मुकदमे की पैरवी नहीं हो पा रही, और तुम अल्लाह की रजा के लिए उनके मुकदमे की पैरवी करो। मैं जिम्मा ले सकता हूं आज तुम्हें यहां तक कह रहा हूं कि तुम्हारी मगफिरत होगी। तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम साहिब कलम हो, तुम जर्नलिस्ट हो,
तुम प्रोफेशनल हो, तुम्हारे दीन से तुमने पूछा कभी? अपनी मर्जी से लोग करते हैं। हमारे हजरत फरमा हमारे हजरत महोदय साहब प्रताप गढ़ी फरमाया करते थे, आज के उम्रे ये उम्रे नहीं है, ये पिकनिक है, पिकनिक। अब लोग लंदन और स्विट्जरलैंड नहीं जाना चाहते, हालात बहुत खराब हैं, एयरपोर्ट पर सख्त चेकिंग होती है, बड़ी परेशानी है, वीजा मुश्किल से मिलता है, तो चलो उमरा करने चले। माज अल्लाह कि मैं हरम शरीफ की हाजिरी की अहमियत को घटाने का गुनाह नहीं करना चाह रहा हूं, मैं जो असल बात कहना चाह रहा हूं, उम्मत को मजबूत करो। कितनी तकलीफ होती है, हम अपने इदारे के सिलसिले में ये छोटा सा इदारा जो यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, अल्लाह ने आप ही के तआवुन से इसको यहां तक पहुंचाया है। अब इसके मुस्तकबिल की फिक्रें मेरे रातों की नींद हराम किए हुए, क्यों? इसलिए कि अब यहां पर उस स्टैंडर्ड तक बच्चे पहुंच रहे हैं तो बेहतरीन साइंस टीचर्स की जरूरत है, मैथमेटिक्स के टीचर्स की जरूरत है, इंग्लिश शब्द कंप्यूटर की। और हम जिस तरह साइंस से पढ़वाना चाहते हैं वो गलत तरीका है, हम साइंस यहां इस तरह पढ़वा रहे हैं, पढ़वाना चाहते हैं तो साइंस के जरिए बच्चों का ईमान मजबूत हो। लेकिन हम किस से बात करते हैं मालूम होता है कि उसके सामने तो कैरियर का मसला है, उसको 50,000 और 60,000 तनख्वाह चाहिए और उसको मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी चाहिए, वो वहां काम करते हुए और फिर उसके बाद दीन की खिदमत के लिए तैयार है। इस तरह कौम मजबूत होती है। हम जिन जिन परिवारों और जिन जिन बड़ी बड़ी तंजीमों के लिए खूब बद्दुआएं कर रहे हैं, उनमें हजारों लोग वो हैं जिन्होंने अपनी कौम की तरक्की के लिए शादियां नहीं की हैं, जिनमें हजारों लोग वो हैं जिन्होंने अपने करियर को कुर्बान किया है। एक मरतबा एपीजे अब्दुल कलाम जो सादिक सदर जमहूरिया थे उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा तो अब्दुल कलाम मेरी जो तकरीर थी, मेरी बात थी, उनको बहुत अचंभा लगा। अरे कोई मुस्लिम मौलाना भी इस तरह सोचता है? वो तो बिल्कुल अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे। तो मुफ्ती अब्दुल कलाम ने बिल्कुल प्रोटोकॉल को हटाकर सारी सिक्योरिटी को दूर करके बिल्कुल मेरे पास आकर कुर्सी पर बैठे, वो बहुत हम्बल आदमी है, खुद आकर मेरे पास कुर्सी पर बैठे और उनसे कहा कि मौलाना नुमानी साहब मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, मुसलमानों के अंदर अपनी कौम और मुल्क की तरक्की के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा कीजिए, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मेरे पूरे कैरियर में मुझे एक मुस्लिम नहीं नजर आता जो कोई बड़े अजायम लेकर पढ़ रहा हो, तालीम हासिल कर रहा हो, और हजारों हिंदू मुझे नौजवान मुझे पूरे कैरियर में मिल चुके हैं जो अपने पूरे कैरियर को कुर्बान करके इस मुल्क को एक मजबूत ताकत बनाने के लिए लगे हुए हैं दिन रात। आप इनका मुकाबला खानकाह नुमानिया की मस्जिद की दुआ और बददुआ के जरिए करना चाहते हो? इंसाफ के खिलाफ बात है, ये अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ बात है। जरा सी गड़बड़ हो गई थी गज़वा उहद में और जरा सी कुर्बानी के बजाय अपने जाती मफाद बाद सहाबा के जहन में आ गया और उसकी वजह से पूरी फतेह शिकस्त में तब्दील हो गई। 70 सहाबा जख्मी हो गए, अल्लाह के रसूल जख्मी हो गए, 70 सहाबा शहीद हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हमारी इज्तिमाई सोच नहीं हो, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है लोगों। और आज जब यह मौसम निकला है तो मैं अभी यह बात कह देता हूं, मुझे किसी किस्म की रस्मियात में हिचकिचाहट नहीं, मैं अभी यह बात कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह यह आवाज दूर दूर तक पहुंच रही है और यहां भी लोग ऐसे बैठे होंगे। खुदा के बंदो, मेरे नौजवान अजीजों, वो नौजवान जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनको जो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हैं, दीन से उनका ताल्लुक है, कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत के चिराग उनके दिल में कुछ जलने लगा है, वो आगे बढ़ें। और अगर वो अपनी कुर्बानी अपना कुछ कैरियर पेश करना चाहते हैं, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन पेश करना चाहते हैं, तो आज ही की मजलिस के बाद जाने से पहले यहां जो हमारे जिम्मेदार साथी, मुझे पता नहीं कौन है, मौलाना सादिक साहब हैं कि नहीं है और आरिफ हैं कि नहीं है, इन लोगों के साथ में आप लोग मिल लीजिए नमाज के बाद, अपना नाम लिखाइए, और भी जो हमारे जो एक लोग यहां से मिले अपना नाम लिखाइए, कॉन्टेक्ट नंबर लिखाइए, बाद में टाइम लेकर आइए। मैं सच कहता हूं बड़े अजायम और तमन्नाओं के साथ ये इदारा खुला है, ये इदारा इसलिए खोला गया है अल्लाह नजर बच्चे बचाते हुए ऐसे उलमा तैयार कर दे जिन उलमा के कुछ मैंने थोड़ी सी तस्वीर कशी की है। कौन जाने कि अल्लाह ताला ने मुल्क में एक
फर्श बिछा दिया हो, एक रास्ता हमवार कर दिया हो और एक ऐसी आवाज किसी न किसी तरह पहुंच जाए और अल्लाह आप तो कादिर हैं, खुदा अपने करम से किसी तरह उस कौम के भी लोगों तक इस टूटे फूटे फकीर की ये मोहब्बत भरी आवाज पहुंचा दे और ये बात किसी तरह दोनों तरफ के खैर खाहों के दिल में आ जाए, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, तुम हमारा बुरा नहीं चाहते, आओ हम तुम दोनों मिलकर सच्चाई की भी तलाश करें और मुश्तरका चीजों पर मुश्तरका जद्दोजहद करें और इस मुल्क को इंसाफ का, ईमान का, अदल व इंसाफ का और अम का गहवारा बनाए। वमा ज़ालिका अलल्लाह बिअज़ीज़, हर चीज में मुश्किल नहीं है, हर दिन ये मुश्किल नहीं है, अजीब बात है जो अल्लाह रोजाना रात निकाल कर दिन की रोशनी को गायब कर देता है और रात की अंधेरे को दूर करके दिन की रोशनी निकाल देता है, मुर्दा को जिंदा से निकालता है, जिंदा को मुर्दा से निकालता है, क्या अल्लाह हमारे मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकता? फिर वही ईमान का जिक्र आता है, फौरन जहन में आने लगता है कैसे होगा कैसे होगा। सुभान अल्लाह, हम नहीं कह रहे हैं कि हम करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह करेगा। अल्लाह पर शक करना चाहिए, ये सवाल आना चाहिए कि अल्लाह कैसे करेगा, ये सवाल जो वसवसा भी अगर दिल में आए तो फौरन अल्लाह से माफी मांगो, फौरन अल्लाह से माफी मांगो और ईमान और अमल सालेह पर मेहनत करो, ईमान मजबूत करो, यकीन मजबूत करो, दिल किसी गैरुल्लाह की तरफ न जाए, बिल्कुल दिल किसी गैरुल्लाह की तरफ न जाए और आमाल सालिहा उस मफहूम के साथ जो कुरान का मफहूम है, जो आज मैंने खोल कर बयान करने की शुरू कोशिश की, वो अपनी जिंदगी में लाओ। तमन्नाएं, अजाएं, कुर्बानियां, माल का खर्च, अखलाक का दुरुस्त करना, मामलात का दुरुस्त करना, जज्बात का दुरुस्त करना, मसलकी लड़ाइयों से गुरेज, क्या हो रहा है, हमें उलझाया जा रहा है न जाने किन बहसों में कि सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए और हाथ कहां बांधना चाहिए और दुनिया की कौमें कहां से कहां पहुंच रही, हमें कहां नहीं उलझाया जा रहा है, क्या लग बात है। इस साजिश को समझो नौजवानों, इस साजिश को समझो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें भी आज अर्ज की गई अल्लाह उनको सबसे पहले तो कबूल फरमा दे, पसंदीदगी की नजर से देख लें, कोई गलत बात जबान से निकल गई हो अल्लाह कहने वाले को माफ कर दे, आपके जहनों से उसको मिटा दे और ये एक मुस्तकिल पैगाम के तौर पर आपके कानों में गूंजे। और मैं अपने नौजवानों से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह के माहिर लोग हैं, जो मल्टी मीडिया के माहिर लोग हैं, मैं उनसे कहता हूं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस तरह के बयानात को तुम जिस तरह चाहो, तुम जिस तरह चाहो मीडिया पर भेजो, इसको तुम इसको क्लिप्स बनाकर भेजो, तुम इसको व्हाट्सएप पर भेजो, ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, अपने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोस्तों तक पहुंचाओ, सीडियां खूब बड़ी तादाद में इसकी लो और खूब सुनो और सुनाओ। मैं इसलिए नहीं, खुदा की कसम इसलिए नहीं कि मेरी बात पहुंचे, मेरा नाम भी खुदा करे कोई न जाने, लेकिन ये पैगाम पहुंचे, ये मुस्बत सोच पहुंचे और ईमान और अमल सारे की ये पुकार पहुंचे, एक नया हौसला, एक नया इरादा, एक नया अज़्म हमारे दिल में पैदा हो, इंशाअल्लाह आने वाले दिन अल्लाह की कुदरत से पिछले दिनों से बेहतर हो सकते हैं। अल्लाह की कुदरत में सब कुछ है। वाखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी कोई सामना उठे, बिल्कुल बैठे रहे भाई, कोई सामना इतनी ऐसी बातों के बाद भी आप अगर थोड़ी देर अपने आप को नहीं रोक पाएंगे तो बहुत दुख होगा। चंद बहुत जरूरी काम बाकी हैं, अभी दुआ इंशाअल्लाह सबसे आखिर में होगी। सबसे पहली बात तो यह अर्ज है कि आज जो मौजू इस आजिज शेरा है उसमें अल्लाह अकबर कहते हुए डर लग रहा है, चंद गुनाहों का मसला नहीं है, उसमें ईमान का मसला है और उसमें कुफ्र और शिर्क का मसला है। डर है, वाकई में सच कहते हैं डर है कि हम अपने को ईमान वाले समझ रहे हैं लेकिन कहीं अंदर से हम कुफ्र और शिर्क वाले ना हो, डर है इस बात का। तफसील का वक्त नहीं है, कुरान मजीद ने सूरह कहफ में एक इंसान के बारे में कुफ्र और शिर्क दोनों का लफ्ज इस्तेमाल किया है,
जबकि वो शख्स मूर्ति पूजा नहीं करता था, बुत परस्त नहीं था। फिर उसके जहन में ये बात थी कि जो है मेरी ताकत से है। इसके बारे में कुरान ने नहीं कहा कि तुम जरा गलत बोल बोल गए हो, तुमसे जरा बड़ा बोल मुंह से निकल गया। उसके बारे में उसके ईमान वाले साथी ने कुरान की रिवायत के मुताबिक कहा था, अब कफर तबिल्लजी खलकका मिन तुराब, कफर था क्या, क्या कुफर कर रहे हो तुम। और फिर जब खुद उसका जवाब आया था और फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ था, तो उस वक्त उसने खुद अपने बारे में लफ्ज बोला था, या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी, काश कि मैंने अपने रब के साथ शरीक न किया होता। फिर मैं कह रहा हूं उसने किसी मूर्ति की पूजा नहीं की थी, उसने अपनी अकलमंदी, अपने हुनर और अपनी मेहनत ये समझा था कि इसकी वजह से मुझे जो कुछ मिला है मिला है, इसको भी शिर्क कहा गया। अल्लाह अकबर। इसका मतलब क्या हुआ, एक होता है कानूनी कुफर, कानूनी शिर्क, किसी पर फतवा लगाना, वो तो बिल्कुल वही है जिसको हम आमतौर पर समझते हैं। लेकिन कुफर और शिर्क सिर्फ कानूनी नहीं होता, कुफर और शिर्क ऐसा भी हो सकता है कि इंसान कानूनी तौर पर तो ईमान वाला हो लेकिन हकीकी तौर पर अंदर से कुफर और शिर्क वाला हो, यह बिल्कुल हो सकता है। इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी जबरदस्त बहस इस मौजू पर करते हुए शानदार मजमून लिखा है, यह साबित करते हुए कि जिस तरह ईमान के दर्जात होते हैं वैसे ही कुफर के भी दर्जात होते हैं, जिस तरह कुफर दून कुफरीन होता है वैसे ही ईमान दून ईमान भी होता है। आज की इस मजलिस में या आज इस सबसे पहले अल्लाह से अपने लिए और आप सबके लिए अल्लाह से मुकम्मल ईमान की दुआ करना चाहता है, तजदीद ईमान करना चाहते हैं हम। अल्लाह आज हम इस बात का इकरार करना चाहते हैं कि हमारा ईमान ही कमजोर है। अब दो बुनियादें दोनों कमजोर, ईमान भी कमजोर, अमाल सालेहा भी बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल कमजोर, तो किस तरह हम आगे मुकाबला करेंगे इन हालात का। हालात का मुकाबला करने के लिए और इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ईमान चाहिए और हमें अमाल सालेहा चाहिए। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि भाई आज हमें तौबा करनी है, तौबा करनी है किससे, और आइंदा के लिए यह तय करना है कि अपना माल, अपनी जान, अपना वक्त, अपनी सलाहियत, अपनी क्वालिफिकेशन, ज्यादा से ज्यादा कौम की बुलंदी, मुल्क की भलाई, उम्मत की तामीर, इसके लिए खर्च करेंगे, खाने के खर्च को कम करेंगे, आइसक्रीम और चॉकलेट के खर्च को कम करेंगे, कितनी चीजें हैं जिनके खर्च को हम कम कर सकते हैं, और उस छोटे छोटी जमाशुदा पूंजी से बहुत इंकलाब आ सकता है, बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। अल्लाह ताला हमारी समझ में ये बातें अल्लाह करे कि आ जाएं, और आज हम सच्ची पक्की तौबा करें, सच्चे मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हों, पूरे ईमान को समझें और गौर से ये समझें और एतराज करें इस बात का कि हम अपने दीन को अभी तक समझे ही नहीं, हालांकि हम अपने आप को पता नहीं क्या समझे हुए हैं। तो भाई करेंगे इंशाल्लाह तौबा, अपने ईमान और अमाल सालेहा को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, जान लगा दो, मान लगा दो, वक्त लगा दो, दीवाना बन जाओ, अल्लाह से मांगो रो रो कर, अल्लाह वालों के पास जाओ, तड़पो, रो, भिलको। अभी तो तुम खाली शिकायत करते हो कि अल्लाह हजरत हजरत हमसे निगाहों के गुनाह बहुत होते हैं, अब जाकर कहो अल्लाह हजरत निगाहों के गुनाह तो दूर की बात है, हमारा दिल तो शिर्क कुफर से भरा हुआ है। ये तो हमको आज पता चला, आज पता चला कि शायद हमारा नाम ईमान वालों की फहरिस्त में लिखा ही नहीं गया। अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से हमको सच्ची पक्की तौबा कर लेने की और उस पर जम जाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के रास्ते में निकलना, अल्लाह वालों के पास जाना, जाकर कुछ दिन क़याम करना, बैठ होना, सुबह शाम जिक्र मामूलात की पाबंदी करना, ये सब रस्म नहीं है, ये दिल की दुनिया को बदल डालने के लिए है, अंदर एक बेचैनी, एक इस्तिराब की आग लगा देने के लिए है। अगर ये बदले हुए हालात भी हमारे अंदर ये उमंगें और हौसले नहीं पैदा करेंगे
तो शायद फिर आइंदा मौका भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। एक मुर्दा सी कौम, एक मुर्दा सी कौम, बुलडोजर चला दो उसके ऊपर, कुछ कर दो उससे कुछ खबर नहीं होगी। वो खाली आपस में चाय के कप के दरमियान दो जुमले बातें करके फिर अपने कामों में मस्त हो जाएगी। बड़ा जबरदस्त चैलेंज है और उतने ही शानदार मौके भी हैं। अल्लाह ताला कदम ब कदम आगे बढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए, नजर बस से हिफाजत फरमाए, काम करने का मौका दे दे, काम करने वाले मुखलिस अफराद और साथी दे दें और काम करने के लिए जरूरी वसाइल दे दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आजिज इस बारे में शुक्र अदा नहीं कर सकता अपने मालिक का कि अपने वालिदैन माजिदैन और दीगर बहुत से अकाबरीन की सोहबत और उनकी जूतियों और उनकी मोहब्बत भरी निगाह के तुफैल वो कुछ समझ में आ रहा है जो सच्ची बात यह है इस जमाने में आमतौर पर समझ में नहीं आ रहा। ये अल्लाह का करम है, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। इन बातों की कदर करने वाला मजमा अल्लाह से मांग रहा हूँ, साथी अल्लाह से मांग रहा हूँ, अफराद अल्लाह से मांग रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला खालिस कदीम अकाबिर के नहज पर चलते हुए जदीद तरीन तकाजों को समझने और उनके उनको उनका मुकाबला करने और उनकी तौफीक नसीब फरमाए। एक सुन्नत हमसे न छूटे, एक मुस्तहब हमसे न छूटे, हमारे सर से पैर तक का पूरा जाहिर और हमारी हड्डी हड्डी, बोटी बोटी, अंग अंग और रुआ रुआ अल्लाह उसके रसूल के इश्क में डूबा हुआ हो। गुनगुना रहे हो हम कभी हम के अशआर, कभी नाच के अशआर, कभी मुनाजात के अशआर, कभी रो रहे हो, कभी मुस्कुरा रहे हो, कभी अल्लाह से आशिकी की बातें कर रहे हो, कभी जन्नत के तसव्वुर में खोए हुए हों। बेहतरीन सजदे और बेहतरीन रुकू और बेहतरीन इल्मी सलाहियत इस सब के मजमूए के साथ हम कदम ब कदम इन हालात के मुकाबले पर आगे बढ़ रहे हों, यहां तक कि वो मंजिल आ जाए जब अल्लाह का कलिमा बुलंद हो जाए और दिलों के अंदर और हर कच्चे पक्के घर के अंदर सच्चाई का कलिमा दाखिल हो जाए। और ये यकीनन होना है, यकीनन होना है, यकीनन होना है। मसला सिर्फ ये है, क्या हम इस कार्य खैर के लिए कबूल होंगे या हम सिर्फ तमाशा देखते रहें। जो लोग सिर्फ तमाशाई बने रहते हैं, तारीख की गवाही है कि वो एक न एक दिन खुद तमाशा बना दिए जाते हैं। तो दुनिया उनका तमाशा देखती है जो तमाशाई बने रहते हैं, और जो मैदान में उतरकर मुकाबले करते हैं वही बागी जीतते हैं। जीतने वाला कभी हारता भी है और हारने वाला कभी जीतता भी है। अल हर्ब सिजाल, ये तो दुनिया में चलता ही रहता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से इन इशारों को समझने की तौफीक अता फरमाए। बैत के कलिमात ये आजिज इस वक्त इसलिए पढ़ाने पर मजबूर है, बहुत से हजरात जो कल से आए हुए हैं उन्होंने भी ये कह रखा है कि हम बैत होने के लिए आए थे और अभी तक मौका नहीं मिला। बहुत सी मस्तूरात भी बैत होना चाहती हैं और बहुत से लोग जिनके फोन आए, एसएमएस आए, ईमेल आए कि उन्होंने ये कहा कि आप मजलिस में जरा बैत के कलिमात जरूर पढ़ा दें, क्योंकि हम लोग दूर बैठकर मुख्तलिफ शहरों में और पता नहीं कहाँ कहाँ हम नहीं आ सकते, हम वहीं बैठकर बैत के कलिमात पढ़ना चाहते हैं। तो भाई, मेरे प्यारे भाइयों और अजीज बहनों, नौजवानों, हो सके तो दुकान में बैठ जाओ और अल्लाह ताला की तरफ बहुत ही दिल की गहराइयों से मुतवज्जे हो जाओ। और भाई, उन कलिमात को जो मैं पढ़ूं वो सारे लोग तो तौबा के नियत से पढ़ लें, और वो हजरात जो बैत भी होना चाहते हैं वो तौबा के साथ बैत की नियत भी कर लें। जो हजरात और मशायख से बैत हैं वो बैत की नियत हरगिज न करें, वो सिर्फ तौबा की नियत करें, या जो अभी बैत नहीं होना चाहते वो भी सिर्फ तौबा की नियत कर लें। लेकिन अल्लाह हमें सच्चे पक्के सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए, और ईमान की कमजोरी जो आज हमारे सामने आई है उससे भी आज हम तौबा करें, आमाल की खराबी से भी हम तौबा करें। अल्लाह हमें सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أشهد أن لا إله إلا الله
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. جو حضرات اور جو خواتین بیعت کی نیت سے جنہوں نے کلمات پڑھے ہیں وہ خاص طور پر زیادہ غور و توجہ سے سنیں. کچھ معمولات ہیں, آپ ان کی پابندی کریں گے تو مسلسل اپنے دل کو روح کو غذا ملتی رہے گی اور انشاءاللہ آپ یہ قدم بڑھتے چلے جائیں گے, تقویٰ ملنا شروع ہوگا, گناہوں کا سے پیچھا چھوٹنے لگے گا, گناہوں سے طبعی طور پر کراہیت اور نفرت پیدا ہو جائے گی. سب سے پہلا معمول ہے روزانہ صبح شام اللہ سے معافی مانگنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جب آپ یہ تسبیح شروع کرنا لگے اس سے پہلے دو تین منٹ ذرا کچھ سوچ لیں یا اپنی زبان میں اللہ سے کچھ باتیں کر لیں, اس طرح کی بات سوچیں یا کہیں کہ اللہ دنیا کا بہت بڑا اور سب سے بڑا خطا کار بندہ آج آپ سے معافی مانگنے آیا ہے, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, آج اس بندے کو معاف کر دیجئے. پہلے اپنی زبان میں خوب معافی مانگیں, اس کے بعد استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کریں, سو بار صبح اور سو بار شام. دوسرا معمول ہے درود شریف کا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ والا درود شریف ایک تسبیح صبح, سو بار صبح اور ایک تسبیح یعنی سو بار شام. درود شریف کی تسبیح شروع کرنے سے پہلے بھی دو تین منٹ ذرا سا سوچ لیں کتنے احسانات ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور پھر خود سوچیں یا اللہ سے کہیں چپکے چپکے, اللہ میں غریب گنہگار امتی ہوں آپ کے محبوب کا, ان کی خدمت میں کیا پیش کر سکتا ہوں ان کے احسانوں کے بدلے, اللہ درود شریف کا ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں مجھ غریب گنہگار امتی کی طرف سے, اللہ میرے محبوب میرے محسن اور اپنے محبوب کی خدمت میں یہ ہدیہ بھجوا دیجئے. یہ خوشامد کریں پہلے اور پھر تسبیح پڑھیں درود شریف کی. تیسرا معمول قرآن مجید کی تلاوت, ایک پارا قرآن مجید روزانہ ضرور پڑھیں, ضرور پڑھیں, وقت نکالیں, محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھیں اور تلاوت شروع کرنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ میں اس لیے تلاوت کرنے بیٹھا ہوں تاکہ اس تلاوت کی برکت سے میرا دل پاک ہو جائے, میرے گناہوں سے اور میرے دل کے ذنب سے میرا پیچھا چھٹ جائے. پہلے یہ دعا کر لیں, نیت کر لیں, پھر قرآن کی تلاوت کریں. اگر ایک وقت میں آپ ایک پارا نہیں پڑھ پا رہے شروع میں تو آپ دن میں دو تین دفعہ میں آدھا آدھا پارا کر کے پڑھ لیجئے, بہرحال کوشش کریں کہ ایک پارا ضرور ہو جائے. چوتھا معمول ہے مراقبے کا, ذکر قلبی کا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تین تینوں معمولات سے فارغ ہونے کے بعد
अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करते हुए अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे दिल पर अपनी रहमत की नजर डाल दीजिए, मेरे दिल पर अपनी रहमत उतार दीजिए। ये खुशामद करें अल्लाह की एक दो मिनट, और फिर उसके बाद फौरन ये महसूस करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल की तमाम गंदगियां दूर हो रही हैं और मेरा दिल खुशी और शुक्र के जज्बे से कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। जबान से कुछ नहीं कहना, जबान से बिल्कुल अल्लाह अल्लाह नहीं करना, जबान तो तारीफ से चिपकी रहे और बस ये तसव्वुर में खोए बैठे रहिए कि मेरा दिल कह रहा है और मैं दिल के कानों से सुन रहा हूं। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको कुछ महसूस न हो, लेकिन हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको एक दिल के अंदर से आवाज आनी शुरू हो, एक गुदगुदी सी महसूस होने लगती है और बाहर लोगों के तो सीने में दर्द होने लगता है, लगता है कि कोई परिंदा अंदर पिंजरे में बंद था और वो फड़फड़ाकर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये लतीफ़े कल्ब की एक हरकत होती है, ये अजीब गरीब सुरूर बख्शती है और इस कदर मुअस्सिर है गुनाहों के छुड़ाने में कि उसको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। ये चार मामूल हैं, सबसे पहले इस्तिग़फ़ार, फिर दुरूद शरीफ, फिर कुरान की तिलावत और आखिर में मुराकबा, और पांचवी बात यह है कि आपने अल्लाह के जिस बंदे को गवाह बनाकर तौबा की है आप उससे रब्ता रखें और किसी तरह अपना हाल उस तक पहुंचाते रहें और कोशिश करें कि मुलाकात भी होती रहे, जो एक दिन के साथ होता रहे। अल्लाह तबारक व तआला दोनों को नफा पहुंचाए, अपने करम से दोनों को अपना कुर्ब अता फरमाए और गुनाहों से बचने की हम सबको तौफीक अता फरमाए।